लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
झूम लो ये लड़की, झूम झूम के झूम झूम के मस्ती में झूम लो। जाने ना दो लड़की को चूम लो ये लड़की, चूम चूम के चूम चूम के मस्ती में चूम लो। मैं हैं। मुझे लगा लीला आंटी आई है, अब उन्हें भेज देंगे बाहर जाके। मुझसे कहो ना चांदनी, डैनियल भी तो तुम्हारा अपना है। उसे कोई काम था आपको? एक अजीब सी कश्मकश में फंस गया हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा हर आइटम एक से बढ़कर एक और लाजवाब होता है। लोग दीवाने हो जाते हैं तुम पर, मरे जा रहे तुम्हारे नाम पर। तो अच्छी बात है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्लब की इनकम बढ़ रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। ऑफ कोर्स, मेरे को देखकर खुशी तो होती है, लेकिन वही भीड़ जब तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाती है, तुम्हें छूने की कोशिश करती है, तो अपुन के दिल पर छुरी चलती है, उसका क्या करें? मिस्टर डैनियल, अपने दिल और दिमाग का
किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाइए। डॉक्टर के पास ही तो आया हूँ चांदनी। डैनियल साहब, आप इस क्लब के मालिक हैं और मैं आपकी इज्जत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इज्जत इसी तरह बनी रहे। आप भी यही चाहते होंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। बेबी वाह वाह, आज तूने क्या डांस किया, कमाल किया। मेरी तो मारे खुशी की आंखें ही भर आई। सुनिए, एक्सक्यूज मी मैडम, अरे मैं तो आपका ही वेट कर रहा था। ये लीजिए, गजब बोले तो गजब का बाप कर दिया, बहुत अच्छा डांस किया आपने। जी थैंक यू। अरे मेरी तो नजर नहीं ठहर रही थी, मैं जरा जल्दी में हूँ। मेरा नाम सीसी पटेल है, अमेरिका, इंग्लैंड, गल्फ, पेरिस, सब जगह बड़ी बड़ी कंट्री में शो ऑर्गेनाइज करता हूँ। टॉप के कलाकार को लेकर उधर जाता हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। जी कार्ड? मैं चाहता हूँ कि आपके भी साथ उधर जाकर एक शो ऑर्गेनाइज करूँ। सॉरी, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बेबी ये क्या कह रही है? आपको पैसा भी मिलेगा। कितना? $1500 एक शो का। $1500 बोले तो इंडियन मनी का लगभग 50,000 रुपया, वो भी एडवांस। देखिए, आप बेकार में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ना मुझे रुपयों का शौक है और ना ही शोहरत का। मैडम मैडम, अरे मैडम को समझा। मैडम देखिए मैडम, मैं आपकी लाइफ बना दूंगा। आपको मालूम नहीं मैं क्या चीज ऑफर कर रहा हूँ? क्या है? तुम्हें डैनियल साहब ने बुलाया है। कौन डैनियल साहब? इस क्लब के मालिक। उसको बोलो मैं आता हूँ। मैडम मैडम, आप मेरी बात सुनिए। मैडम आपको मालूम नहीं मैं क्या चीज ऑफर कर रहा हूँ आपको? मैडम मैं छोड़ो यार, गधे की माफी मेरे को खींच के लेके जा रहा हूँ। मोहब्बत से बात करो। मालूम है मैं कौन है? कौन है मालूम है? कौन है रे तू हरामी? दादा है, पुलिस वाला है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बोल रहा था क्यों भाग रहा था उस लड़की के पीछे? कौन लड़की? कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, वो लड़की। उसको तो भाई मैं समझा रहा था कि फॉरेन में जाके शो करेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। देखो मैन, दोबारा तुम इस क्लब में नजर आओगे तो तुम्हारा पाव एक जगह से मुड़ता है ना, चार जगह से मुड़ेगा। नहीं, आप जो बोला बरोबर है, लेकिन थोड़ा सोचने का भाई। अगर वो लड़की फॉरेन कंट्री में डांस करेगा तो आपके क्लब का नाम रोक। ओहो, मर गए। कितनी गर्मी है, ये कबक बिजली कब आएगी? इस मोहल्ले में तो ये रोज का रोना है। डैनियल को भी बस यही घर देना था। अरे जब तक चांदनी नहीं चाहेगी यही होता रहेगा। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी इनकार करने की पटेल को? अच्छे पैसे मिल जाते। अरे तुम यूं ही सुनती रहोगी, समझाती क्यों नहीं हो इसे? चुप रहो तुम लोग। वो जो कुछ भी कर रही है, बहुत कर रही है इस घर के लिए। इस घर का राशन और तुम्हारे लिपस्टिक पाउडर के अलावा तेरी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठा रही है वो। तुम तो हर वक्त उसी की तरफदारी करती रहती हो। नानी माँ, शादियों में कितनी रौनक होती है ना। उस हॉल में इस तरह की रोशनी है कि जैसे उजाला हो, और शहनाई की आवाज। चांदनी, तेरी किस्मत में वो रौनक देखना नहीं बल्कि क्लब की रौनक बनना लिखा है। यही उम्र है, चार पैसे कमा ले, जो बनाना है बना ले। भूल जाओ उस टोली को, कोई नहीं आएगा तेरा हाथ थामने वाला। वो आएगा और मुझे यहाँ से टोली में बिठा कर लेके जाएगा। और सारा मोहल्ला देखता रह जाएगा। आंटी वो जरूर आएगा। आयो रे। आयो रे। दुनिया वालों को जाने, उन्हें देख कर
you, baby, kya khayal hai put? You were made for love me, baby, kya khayal hai put? फैशन शो हो रहा है तो क्यों ना हम लोग पेरिस चलें? इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हेलो, तेजेश्वर सिंह स्पीकिंग। तभी राहुल बोल रहा हूँ। सर, मैं आप ही को याद कर रहा था। सर सर, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बातें बातें सब बाद में, पहले तुम पेरिस के लिए दो टिकटें बुक कर दो। सर जी, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे पेरिस ले जा रहे हो जी? मैं तुम्हें पेरिस नहीं ले जा रहा, पेरिस मेरे साथ मोनिका जा रही है। कोई बात नहीं, मेरे साथ सोनिका चली जाएगी।
वैसे प्रॉब्लम यह है कि ना तो मेरे साथ सोनिका जा सकती है ना आपके साथ मोनिका जा सकती है, क्योंकि आपने परसों जूली के साथ स्विट्जरलैंड जाना। हाँ, उसे कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो उसे। सर स्विट्जरलैंड कैंसिल कर दूं, आपने पेरिस जाना, आप मेरे एक बार आमने सामने। सर आप तभी जब तुम यहाँ पे हो तो फोन पे बात करने की क्या जरूरत है? सर जी मुझे तो अच्छी तरह मालूम है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप कब कहाँ होते हैं ये बिल्कुल पता नहीं चलता। एक्सक्यूज मी, एक एक्स्ट्रा रोमांटिक मैसेज देना है जरा। इंडिया में कारोबार संभालने से पहले दादाजी से आपने 1.5 महीने की छुट्टी ली थी, छुट्टी होगी है ख़त्म, दादाजी का मैसेज है कि बोरिया बिस्तरा बांधिए और वापस इंडिया आइए, काम करना है। है की मुसीबत है कि काम भी कोई करनी चीज़ है, जाना पड़ेगा। राम है तेरे भाग्य में चांदनी, राम आकाश की ऊंचाई से धरती पे उतरकर तुझे लेने आएगा तेरा राजकुमार। हाँ तू कहाँ इनकी बातों में आ रही है, ये तो आए दिन लड़के लड़कियों को यहाँ बिठाकर झूठे ख्वाब हाँ। उनसे पैसे लूट लेता हाँ। झूठा है ये, चल चल उठ। अरे तू देखते रह जाएगी, ऐसी शानदार बारात आएगी कि मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे। अरे करोड़पति होगा वो, करोड़पति करोड़पति। अरे तुम्हारे हाथ में ना पति है ना बारात है ना राम, यहाँ तक रावण भी नहीं है जो तुम्हें उठा के ले जाएगा। तेरे मुंह में खाक, झूठा पाखंडी, चलो यहाँ से। चांदनी, दिव्या, तू इतने सालों बाद। बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ तुझे, मैं शादी कर रही हूँ। शादी? और कल शाम को मेहंदी की रस्म है, मैंने सारी सहेलियों को बुलाया है, तुझे भी आना है, तू आएगी ना? अरे आएगी क्यों नहीं, ऐसा कभी हुआ है कि मोहल्ले में कोई शादी हो और ये ना गई हो? और फिर तू तो इसकी सहेली है बेटा, आएगी आएगी, आएगी। जरूर आऊंगी। माफ करना बहन जी। ओ, मैं तुझे भैंजी दिखाई दे रहा हूँ, तेरी आंखें हैं जो डिपर है, वो वर्दी तो ऐसे पहन रखी है जैसे किसी जहाज का पायलट हो, और तेरा मालिक कौन है, कौन है तेरा मालिक? अरे भाई क्या हो रहा है दादाजी? अरे तजेश्वर दिखाई नहीं देता तुझे? ये तजेश्वर तू यहाँ पे ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या है सर, ये क्या है? सर वो राहुल साहब ने, मेरा मतलब उनके पड़ोसी ने बियर मंगाई थी ना, आज संडे है ना सर। और मैंने तुझे राहुल का सेक्रेटरी बनाया है उसका ख्याल रखने के लिए, जैसे पड़ोसी के लिए बियर लाने के लिए। राहुल कहाँ है इस वक्त? राहुल सर वहीं सर। हाँ चलो चलो घर चले। एक मिनट फोन कर लूँ सर। फोन क्यों कर रहा है तू? सर एक्चुअली ऑफिस घर में ही बनाया हुआ है तो काफी फाइलें वगैरह बिखरी हुई हैं, तो सफाई हो जाएगी आपके जाने। चलो चलो घर चलते हैं। ये लड़कियां खोल रही हैं। वेलकम सर। आई सी यहाँ पे भी लड़कियां हैं सर। क्या की गुड डे तब्बी। तब्बी तेजेश्वर ये तब्बी क्या चीज है? तभी मैं हूँ सर, यहाँ के मेरा नाम बदल गया। लगता कि हमारे मुल्क में मर्दों की कुछ कमी हो गई है, इसलिए हर काम के लिए यहाँ पर लड़कियों को रखा गया है। सर एक्चुअली हम चाहते हैं कि औरतों को भी मर्दों के मुकाबले में कुछ करने का मौका मिले सर। तो फिर मैं समझता हूँ कि राहुल के सेक्रेटरी के लिए आपकी जगह पर एक लड़की को रखा जाए। क्यों सर? आप एक मिडिल क्लास गरीब के पेट पर लात मत मारिए सर, वरना मेरा पड़ोसी मारेगा मुझे सर। पड़ोसी? सर वो एक सेपरेट प्रॉब्लम है सर, इसमें मिक्स मत कीजिए प्लीज। राहुल साहब कहाँ हैं? वो पूजा के साथ, मेरा मतलब पूजा कर रहे हैं सर। जी हाँ जाहिर है, अगरबत्ती की खुशबू तो हमें बाहर गेट पर पहुंची थी। कहाँ है राहुल? स्विमिंग पूल पे सर। स्विमिंग पूल उधर है? नहीं इधर है सर। इधर है? हाँ जी। पक्का यकीन है? चलिए दिखाइए। ये पूजा हो रही है? पूजा की तैयारी हो रही है सर। शट अप। राहुल दादाजी आप? ओह नो सॉरी। आप जरा चेंज करके ऊपर मेरे कमरे में आइए। मैं अभी आया। हमने आपको हमारे राहुल के साथ यहाँ हिंदुस्तान क्यों भेजा जानते हैं? ताकि आप हमारे यहाँ का बिजनेस संभाल सके,
और उसे भी कुछ कारोबार सिखा सके। हमने आपको लंदन में पढ़ा लिखा कर हिंदुस्तान में इसलिए नहीं भेजा था कि आप कारोबार संभालेंगे। हम चाहते थे कि आप यहाँ की सभ्यता सीखें, यहाँ के कल्चर को अपनाएं। कारोबार छोड़िए, आपने तो सभ्यता को भी ठोकर मार दी। दादाजी दरअसल बेटे, तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हारे माँ बाप आज जिंदा होते और तुम्हें इस हाल में देखते तो उनके दिल पर क्या गुजरती, क्या गुजरती उनके दिल पर है? हमने अपना सारा फॉरेन का ट्रिप, सब अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके हम हिंदुस्तान आए कि हम अपने पोते से मिलेंगे, लेकिन आप कौन हैं? हम किससे मुलाकात कर रहे हैं? आप हैं कौन? हम आपको एक मौका और देते हैं, आप अपने तौर तरीके बदल दीजिए, वरना जिस दौलत की बुनियाद पर आप ये सब कर रहे हैं ना, हम ये सारी जायदाद उठाकर किसी आश्रम में दान दे देंगे। पर खुदा, इसे धमकी मत समझिएगा, आपके दद्दू धमकी नहीं देते, फैसले सुनाते हैं। रिमेंबर। चांदनी, हाय हाय, मैं जल्दी आना चाहती थी पर क्या करूं। हाय, कैसे हो तुम लोग? अच्छा, पर एक मिनट। चांदनी, तू? आंटी जी नमस्ते। तुझे किसने बुलाया जी? चांदनी, तू आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। पूछ माँ से, क्यों माँ? चल चल चल, अंदर चलते, चल चल। दिव्या, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं, तुझमें इतनी भी समझ नहीं किसको बुलाना चाहिए किसे नहीं? माँ प्लीज प्लीज, लो हो गई। अच्छा मुझे, अच्छा, मुझे, मुझे लगा दो ना प्लीज। देखो मेरे पास अब एक ही हाथ की मेहंदी बची हुई है, अब किसको लगाना है ये आप लोग फैसला कर लो। अरे चांदनी को लगाओ, पता नहीं बेचारे को मेहंदी लगेगी भी या नहीं। मिसेस चोपड़ा, हेमा जी ये वहाँ रख दो। हाउ आर यू? ये क्या ढक ढक लगा रखी है दिव्या, कुछ नाच गाना भी होगा या सिर्फ यही होता रहेगा? चांदनी तू गाना, तेरी आवाज कितनी अच्छी है, और वही गाना गा जो तू अक्सर गुनगुनाती रहती है। मैं गा देना प्लीज। अरे कैसी उलझन में डाल दिया बेचारी को, जो गाना ये जानती है वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो वो गाना चाहिए जिसमें पिया मिलन की खुशी भी हो और बाबुल से जुदाई का गम भी, आंखें भर आनी चाहिए। जानती है ऐसा गाना? चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। मुझे चांदनी के लिए बहुत अच्छा लड़का चाहिए, लेकिन अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ हैं? ऐसा नहीं है माँ जी, अच्छे लड़के भी इस दुनिया में हैं। इसी मंदिर में पिछले एक सप्ताह से एक लड़का हर रोज अपने दादाजी को लेकर भगवान के दर्शन कराने आता है। अच्छा हाँ, चलिए प्लीज प्लीज हटिए प्लीज,
भाई साहब जरा दादाजी को आने। वो आ गया। बहन जी भाई साहब जरा प्लीज हटिए ना। चले ना जी। चलो बेटी। अच्छा माँ जी। सर जी आपने इस जोगन में ऐसा क्या देख लिया कि मुझे 7 दिन से दादा बना के रोज यहाँ ला रहे हो? कम से कम उसे तो छोड़ दिया होता जो सारी दुनिया को छोड़ के बैठी है। पागल, उसने दुनिया को नहीं छोड़ा है, वो रास्ते से भटक गई है। मैं उसे धीरे धीरे ट्रैक पे ला रहा हूँ। सर जी मुझे तो यहाँ आते ही बहुत डर लगता है, ऊपर आते ऐसे लगता है जैसे ऊपर जाने का समय हो गया। डर मत, पूरी फील्डिंग हो चुकी है, सिर्फ चौका मारने की देरी है। जैसे मौका मिले वैसे चौका, समझे? अब जाके शुरू कर। फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, 15-15 गाड़ियां, 3-3 बंगले, ये जमीन जायदाद ये किसका दिया हुआ है? इसी भगवान का तो दिया हुआ है, उसी के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। उस जोगन को देखो, सीखो कुछ उससे। इस उम्र में सारा कुछ त्याग करके कैसे भगवान की चौखट पर बैठी है। भाई जाओ उसके पास, बैठो, जाओ कुछ सीखो, जल्दी 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 जल्दी। नमस्ते। नमस्ते। आज दादाजी बड़े गुस्से में लग रहे हैं। देखिए ना, अब क्या करें, कह रहे हैं कि आपके साथ बैठूं। ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ गुजारूं। आप दर्शन नहीं करेंगे? आपके दर्शन हो गए, मेरा तो दिन ही सफल हो गया। मैं समझी नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं? एक मिनट, ये लीजिए। क्या है इसमें? इसमें मेरे दिल की बात है। इसे पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। ये लीजिए। ताऊजी, ताऊजी जरा इधर तो आना। क्या बात है बेटी? ताऊजी देखिए तो इसमें क्या लिखा है। संसार से भागे फिरती हो, भगवान को तुम क्या पाओगी? हाँ? मेरे साथ आओगी तो सब समझ जाओगी। हाँ? क्या मतलब है इसका? हाँ? कहाँ गए वो, किधर गए? मेरे लाडले रुपिंदर, बे शिक्षा हो गई पूरी, कुछ समझ आई? शिक्षा ली कुछ? भाई ये भीड़ कैसे जमा हो गई यहाँ पर? ताऊ जी वो इन्हीं के पोते हैं। हाँ? देखो क्या लिखा है तुम्हारे पोते ने। हैंडराइटिंग बड़ी साफ है बच्चे की। लिखा है, संसार से भागी फिरती हो, भगवान को तुम क्या पाओगी, मेरे साथ आओगी तो सब समझ जाओगी। भाई साहब, मेरा मतलब बहन जी, मैं कोई दादा नहीं हूँ, मैं तो सिंपल उसका सेक्रेटरी हूँ। कोई पेपर है अभी, मैं रेजिग्नेशन लिखना चाहता हूँ, आज ही नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, कोई पेन दो। नौकरी तो तुम तब छोड़ोगे जब हम तुम्हें छोड़ेंगे।
जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, कर दिया क्या? जानम समझा करो, 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 who is she, who's that girl with lovely eyes, she's come from far, what's her name, I wanna know, she makes my heart go boom boom boom. बिछड़ेंगे हम दिल वाले है शहनाई का इंतजार मतलब जानम समझा करो जानम समझा करो जानम समझा करो जानम समझा करो लड़की है इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है तभी सर पागल तो आपको मंदिर वाले जोगन ने भी कर दिया था मेरा मतलब सर जब भी आप इश्क में पागल होते हैं तो मैं फटड़ हो जाता हूँ सर मजनू कितना बड़ा आशिक था उसने कितने पत्थर खाए लेकिन सर उसने पत्थर खाने के लिए अपना सेक्रेटरी तो नहीं रखा हुआ था ओए तू फिक्र ना कर तभी तू देख मेरा जलवा शलवा जख्म खाने की कैपेसिटी नहीं है सर समझिए आप तो समझते नहीं आए मर गया सर मेरे ख्याल इनको हमारे बारे में पता चल गया खिसक ले सर आप वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था दरअसल मुझसे अनजाने में हो गया वो डैनियल है ना बदतमीज कहीं का
हमेशा दरवाजे खटखटाए बगैर रूम में चला आता है, जैसे अभी आप। मैं? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। हम तो दरवाजा खटखटा के अंदर आने वाले थे, लेकिन उस भीड़ ने हमें अंदर धक्का दे दिया। बोलना। बिल्कुल जी, गलती से आ गए थे, जा रहे बस। चुप। वैसे मैं आप ही से मिलने आया था जी। मेरा मतलब है, लो ना। थैंक यू। आप कितनी खूबसूरत है, और जितनी खूबसूरत आप है उतना ही खूबसूरत आपका डांस है। ऐसा डांस तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा। क्यों डबी? वैसे तो डांस आप ही बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाइट क्लब वगैरह जाता हूँ। मैं नाइट क्लब वगैरह बिल्कुल नहीं जाता। मेरा तो काम बस ये ऑफिस से मंदिर, मंदिर से ऑफिस। वो तो एक्चुअली मैं अपने दोस्त तभी 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 को ढूंढते यहाँ पे आता है। तभी ये है जी चांदनी। चांदनी? चांदनी राहुल मेरा। वैसे मैं आपको जानती हूँ। सर जी जानती सब कुछ, आप निकलने मेरे ख्याल से। आप मुझे जानती हैं जी, पिछले सोमवार को आपको मंदिर में देखा था। सर वो मंदिर सोमवार, ये इसको सब पता है सर, प्लीज चलते हैं सर। वैसे जाने का तो टाइम हो गया है, हम लोग चलते हैं। नहीं नहीं, आप रुकिए। तलवार सिंह। सर वो तलवार मंगा रहे हैं, सब कुछ पता है ना, माहौल ठीक नहीं है, निकल पड़ते हैं सर। तलवार सिंह। देखिए चांदनी जी, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। बाकी बातें टेलीफोन पर हो जाएंगी, वहाँ पिटाई का चांस कम होता है। जी मैम साहब। तलवार सिंह जी आ गए हैं। सर अब बचने का कोई चांस नहीं, हम लोग पीछे से निकल जाते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, कुछ ठंडा वगैरह लीजिए ना। चांदनी जी हमें जान दीजिए, हमें डंडा नहीं चाहिए प्लीज। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं डंडा नहीं ठंडा पीने की बात कर रही हूँ। ठंडा? कूल कोल्ड ड्रिंक। तलवार सिंह जी मैं पीऊंगा मैंगोला, तुसी की पियोगे? मुझे अगर थोड़ी बर्फ मिल जाए कुछ मैं खा लूंगा, कुछ लगा लूंगा। जाइए जल्दी लाइए, जल्दी आइएगा। जी मैम साहब। थैंक यू। तो आप हर सोमवार दादाजी को लेकर मंदिर जाते हैं? मैं समझा नहीं। उस दिन जब आप दादाजी को लेकर मंदिर जा रहे थे तो हम लोग सब वहाँ से वापस आ रहे थे। हम लोग आपको देखकर सोच रहे थे, आजकल कहाँ किसमें इतनी श्रद्धा दिखाई देती है। समझे? मैं समझाता हूँ, इन्होंने हमें मंदिर में आते हुए देखा, मंदिर से जाते हुए नहीं देखा। क्या देखा? क्यों, कुछ हुआ था? कि आपके जाने के बाद दादाजी की वो दुनाई। इसका कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे दादाजी की बहुत इज्जत हुई, वहाँ पे सारे लोगों ने दादाजी को लातों लात, मेरा मतलब हाथों हाथ उनकी आओ भगत की। ओ, ये तो बड़े ही गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात। इज्जत हुई उनकी, इज्जत है ना जी। इतनी इज्जत हुई कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप क्यों? क्या की बेबी बेबी बेबी, इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया है? गाड़ी लेके ये आए हैं जी। इतनी बड़ी गाड़ी के ये अकेले ही मालिक है? लो कर लो बात, ये तो कई गाड़ियों के इकलौते मालिक है जी। राहुल मेहरा। इनका इतना लंबा चौड़ा बिजनेस है कि एक कार्ड पे छापना मुश्किल था, तो हमने ये किताब छापी हुई है, लीजिए। भाई मुझे भी तो दिखाओ। अरे दुबई में भी बिजनेस, लंदन में भी बिजनेस। ये मेरी आंटी से, शीला आंटी, सुशीला आंटी और नीला आंटी। आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई। और जिनसे मिलकर आपको खुशी हुई है, किताब में नहीं, आपके सामने खड़े, इधर देखिए। नमस्ते जी। नमस्ते। चांदी खुशी तो मुझे तब होगी जब किसी दिन तुम मेरे घर पे आओ, या किसी शाम हम लोग डिनर पे चले। किसी शाम क्यों? कल शाम क्यों नहीं, वैसे भी हम कल को कर रहे हैं। नहीं आंटी, कल तो हम लोगों को फैंटेसीलैंड जाना है। तो अच्छा है ना, इसी बहाने मैं भी फैंटेसीलैंड देख लूंगा और तुम्हारे साथ कुछ वक्त भी गुजार लूंगा, अगर तुम्हें एतराज ना हो। हम कोई एतराज नहीं है, हम भी फैंटेसीलैंड जाएंगे। मोस्ट वेलकम जी, कल तक तो मेरे जख्म भी पूरे ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। मुझे भी जी, बचपन में हम इसी पार्क में परौंठे लेके आया करते थे। लेकिन ये पार्क तो पिछले 2 सालों में बना है ना। ओ, फिर मुझे गलती लगी होगी। मुझे लगता है आपको भूख लगी। नहीं जी नहीं, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया दबा के। क्यों ना आप जाके कुछ और खा लें। याद आया, मैंने तो अभी तक कुछ खाया नहीं जी। आइए जी, चूहे मेरे पेट में भगड़ा डाल रहे हैं। आइए प्लीज जल्दी जरा। आप कहाँ जा रही हैं? वो उनके साथ, आप भी चलिए ना। उन्हें जाने दीजिए ना, बाद में मिलेंगे उन्हें, चलें। तभी जी जल्दी से कुछ मंगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ। कहाँ देखे जा रहे हैं आप इधर उधर? नहीं नहीं, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। तभी जी आप मजाक बहुत करते हैं। बचपन से ही। अच्छा मजाक छोड़िए, ये बताइए कि चांदनी कैसी लड़की है? क्या मतलब, क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब कि वो लड़कों के साथ घूमना फिरना पसंद करती है कि नहीं? चांदनी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा जी। खासकर आजकल के छिछोरे लड़कों की हरकतें। चांदनी,
आपके हाथ बहुत खूबसूरत है। एक बार एक सिंगल लड़के का चांदनी पर दिल आ गया था। अच्छा जी। उस लड़के ने चांदनी से दोस्ती भी कर ली। वेरी गुड। और दोस्ती ही दोस्ती में एक दिन उसका हाथ थाम लिया। फिर? अरे फिर क्या था, हाथ पकड़ते ही उसने उसे बाहों में जकड़ और मौका पाते ही उसे किस कर लिया। वेरी गुड। तो फिर उसके बाद चांदनी ने क्या किया? चांदनी ने हाथ उठाकर एक ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि आज तक वो लड़का कान के डॉक्टर से इंजेक्शन लेता फिरता है। मैं अभी आया जी। अरे अरे जा रहे टेलीफोन देगा। राहुल राहुल जल्दी पहुंच, नहीं तो बॉस को पड़ जाएगी। ओ पड़ गई। हिम्मत देखो उस लड़के की। मुझे ऐसी वैसी लड़की समझता है? क्लब के शो के टिकट्स क्या खरीद लेते हैं, समझता है चांदनी को खरीद लिया? बेबी इसका ये मतलब? आप चुप रहिए, ये सब आप ही की मेहरबानी से हुआ है। उसके साथ फैंटेसी लैंड जाने के लिए बच्चों की तरह मैं नहीं आप जिद कर रही थी। बेबी बेबी इतनी बड़ी गाड़ी लेकर कौन आया है? 15 लाख की होगी। आप लोग तीनों यहाँ बैठे क्यों हैं? चलिए उठिए, अपने अपने रूम में जाइए। चलिए उठिए उठिए चलिए। हेलो नमस्ते नमस्कार। यहाँ क्यों आए हो? दरअसल आज जो भी हुआ उसके लिए साहब बहुत शर्मिंदा है, बल्कि जब से वो जवान हुए हैं उनके चेहरे पर ऐसी शर्म पहली बार दिखाई दी है। क्या मतलब? क्या कि उस दिन साहब ने अपने दोस्तों के साथ आपका डांस देखा तो आप उनको बहुत अच्छी लगी, लेकिन दोस्तों ने शायद आपको कुछ बुरा भला कहा। ये बात साहब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि चांदनी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, और यही बात साबित करने के लिए उन्होंने उनसे शर्त भी लगाई। और आज जो कुछ हुआ उससे ये साबित होता है कि हमारे साहब बिल्कुल ठीक थे, आप वैसी लड़की नहीं है। ओह। हमारे साहब एक दफा आपसे और मिलना चाहते हैं, और उन्होंने आपके लिए एक तोहफा भी भेजा है। तोहफा? और लाओ भी लाओ, जल्दी करो। लाओ लाओ लाओ। मैंने सोचा कम से कम 29 इंच का टीवी तो होना ही चाहिए ना। अरे वाह, क्या है इसमें? टीवी कलर है जी। जब तक बीवी और टीवी कलरफुल ना हो तो मजा ही नहीं आता। आंटी तुम्हारे साहब अब क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? जी उनका जन्मदिन है। ओ, वो साल में कितनी बार अपना जन्मदिन मनाते हैं? कोई फिक्स नहीं है जी, अब मेरा मतलब बड़े लोग हैं जी, जब मर्जी मना ले। उठाइए इसे, उठाइए इसे, बड़े प्यार से भेजा जी। एक बार गेट आउट। ओ एक बार गेट आउट। चलो मुझे निकाल दिया लेकिन टीवी तो रख ही लिया ना। टीवी देखेगी, राहुल साहब की याद आएगी, आज नहीं तो कल बात बन ही जाएगी जी। कुछ नहीं, इन्हें टीवी पसंद नहीं है, कहते छोटा है, मैं बड़ा लेके आता हूँ। और क्या? ये उसने अच्छा नहीं किया तभी। बिल्कुल सर जी, उनको इतना बड़ा टीवी दिया उन्होंने जमीन पे फेंक के तोड़ दिया। जहाँ तक लड़कियों के मामले में मुझे एक्सपीरियंस है। तुम्हारा एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, मेरा मतलब आपके साथ रह के जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उससे एक ही बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? सर जी आप प्लीज उस लड़की को भूल जाओ। नहीं तभी नहीं, थप्पड़ खाने के बाद मैं इसे नहीं भूल सकता। लड़कियां मेरे साथ घूमना अपना नसीब समझती है, और ये इसके साथ तो मैं ऐसा खिलवाड़ करूंगा कि ये परेशान हो जाएगी। मैं इसके घमंड को तोड़ दूंगा तभी। देखो अगर चांदनी से बात करनी है तो पहले डैनियल साहब से मिलाओ। ओह माय गॉड, मैं उससे कैसे बात करूंगा, वो तो बहुत ही डेंजर आदमी है। ओ यार उससे की बात करनी है यार, वो तो मुंह से कम हाथ से ज्यादा बात करता है, उससे की बात करनी है? बकवास बंद कर। ओए हाथ लग कर, ओए तू जानता नहीं मैं कौन हूं? अरे कौन है तू? मैं सीसी पटेल हूं यार। सीसी पटेल? ये पटेल सरदार जी कब से होने लगे? मैं गया काम से, मैं अपने मुंह से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, मैं चलता हूं यार। अबे जाता कहां है? एक मिनट रुक, नकली मूंछ लगाता है, नकली दाढ़ी लगाता है, काला चश्मा लगाता है,
ठेरो यार ठेरो, मैं खुद ही निकाल के देता हूँ। ये लो। ओ यार मैं सीसी पटेल हूँ पहचाना। चांदनी से मिलने के लिए सब नाटक करना पड़ा यार। वो क्या है ने कि मैंने एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मेरी डांसर जो है ना वो तबला बजाने वाले के साथ भाग गई है, इसलिए मैं इधर चांदनी जी को शो में डांस करने का ऑफर देने के लिए आया था। बेवकूफ बनाता है हमें। अरे वाओ यार बनाता है, असली की नकली कौन है यार? क्या कर रहा भाई? वो मरने के लिए हमारी गाड़ी मिली थी। ओ यार मैं जानबूझ के नहीं गिरा हूँ, अंदर से फेंका गया हूँ मैं। ओ भैया ऐसे काम क्यों करते हो कि कोई आपको उठा के बाहर फेंके? इसका कोई कसूर नहीं, ये सब तारों का खेल है। इसकी किस्मत के तारे गर्दिश में है। मैंने पहले ही बोला था हाथ दिखा के अंदर जाना, तेरा समय खराब है, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। हाँ वो गलती से मिस्टेक हो गया यार, पूछा नहीं तो फिर से हाथ दिखा दे। चल पैसा कितना लेगा जल्दी से बता दे मेरे, जितना जेब में उतना दे दे। चल मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार। सर जी वैसे अंदर जाने से पहले हम भी अपना हाथ ना दिखा दे। मैं क्या यहाँ नौकरी मांगने आया हूँ? नो सर, मैं तो यहाँ चांदनी के बॉस से ये कहने आया हूँ कि राहुल दिल का बहुत अच्छा है, और चांदनी से कहे कि राहुल को दिल देने में देर ना करे, समझे? बिल्कुल देर नहीं करेगी सर। चलो नेक्स्ट टाइम इधर अगर कोई चांदनी का बात किया तो उसको हम धक्का देकर बाहर फेंकेगा ही, लेकिन तुम लोगों को भी छोड़ेगी। कौन है? हम अंदर आ सकते हैं? यस आइए सर आइए। मैं कह रहा था ना कि आदमी दिल का इतना बुरा नहीं है। मिस्टर डेनियल अपन है, ये है मिस्टर राहुल मेहरा, इस शहर के चंद गिने चुने अमीरों में से एक हैं। मेरा इंडस्ट्रीज के मालिक है। हाँ जी, मेरा फैब्रिक्स, मेरा केमिकल्स, मेरा स्टील्स, और ये है मिस्टर डेनियल, और ये हाँ ये क्राइस्ट के बहुत नज़दीक हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, ऐसा मैंने सुना है। हेलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आपके क्लब में एक लड़की डांस करती है जिसके साथ आपका एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। मेरा हर लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये सरकार कि मेरा दिल इस लड़की पे आ गया है। उसकी आंखें, उसके होंठ, वॉकिंग का स्टाइल, टॉकिंग का स्टाइल, इन्हें बहुत पसंद है। कौन हेमा? नहीं जूली। ओके नहीं सिली, आपके लिए तो वो भी ठीक रहेगी। नहीं फिर कौन? चांदनी बख्शी। जी ठंडा वंडा तो हम घर से ही पी कर आए हैं। अब डंडा खा के जाओ। पीटर डेनियल साहब आप तो यूं ही खफा हो रहे हैं। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि चांदनी आपकी बेटी है। चांदनी मेरी बेटी नहीं है। मतलब आपकी बेटी समान है? अरे इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। ओ कहाँ लगा रहा भाई? ओ छोड़ दे यार, कोट मैला हो जाएगा यार, कमाल है, ड्राई क्लीन कल ही कराया। ओए मर गया आप। मैं तुम्हारे ही वेट कर रहा था, दूसरा किधर है? ओ एक के बाद एक गिर रहा है। अच्छा है, अच्छा है। हम जानबूझकर नहीं गिरे, हमें अंदर से बाहर फेंका गया है। वो काम ही ऐसा क्यों करते हो कि अंदर से बाहर फेंका जाए? देखिए भाई साहब, ये सब सितारों का खेल होता है। जब सितारे गर्दिश में होते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, हम तो चीज ही क्या है। मैं भी गिरा था इधर। तभी कल्लू मामा का पता लगा कौन है? अरे मेरे से पूछना, मेरे को सब पता है भाई। तभी आई एम सीजी पटेल, बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करता हूँ यार, इंडिया से फॉरन लेके जाता हूँ बड़े बड़े आर्टिस्टों को। ये रहा मेरा कार्ड। ये मेरे को कार्ड के बारे में मत बता, ये डेनियल के बारे में बता। तुम्हें पढ़ गुजराती? चांदनी। ओ चांदनी। और साथ में गुड्डी और पिंकी भी, ये कब आए? स्कूल के पिकनिक के साथ दोनों आए थे। ओ काफी बड़ी हो गई है। महाबलेश्वर में पढ़ती है ना? जी। हाँ अपना ब्रेगेंजा का स्कूल भी वही है, जानती हो ना ब्रेगेंजा, जो डांस सिखाता है। दोनों को भेज दो उसके स्कूल में, हर तरह का डांस सीख जाएंगे। इन्हें डांस सिखाने का मुझे कोई शौक नहीं है। बात शौक की नहीं, फ्यूचर की है, काम आएगा जैसे तुम्हें काम आया। जी नहीं, मैं इन्हें डॉक्टर बनाऊंगी। ओह अच्छा, वो भी दिमाग का डॉक्टर। ओह वेरी गुड वेरी गुड, जो कि आप जैसे बद दिमागों का इलाज करे। डेनियल साहब आप यहाँ कैसे है? इससे क्या हुआ? सच बात कह रही तो बुरा मान गया। अरे ये बेशर्म क्या तेरी बात का बुरा मानेगा, तेरी तो गाली भी इसे संगीत लगती है। तुम लोग फिर आ गए यहाँ? आवाज नीचे कर लू, अब यहाँ तुम्हारा नहीं मेरा हुक्म चलेगा। क्या मतलब? ओ मतलब समझा इनू। ओ मतलब अभी समझ में आ जाएगा, आइए आइए समझाइए ने। डेनियल साईं राम राम, हमने तुमको 2 महीने का टाइम और दिया था, पर तुम महीने पर महीने बढ़ाते गए।
तुम्हें जानकर बहुत दुख होगा कि तुमने मार्केट से और हमसे जितना लोन उठाया था ये सेठ ने सब लोन चुकाकर क्लब के पेपर खरीद लिए हैं। आज से इस क्लब के मालिक ये हैं। मुबारक हो साईं। अब कल्लू मामा डैनियल का क्या किया जाए? करना क्या जी, दो चार धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। देखा जाए तो मैनेजर की पोस्ट के लिए हमें खड़ूस आदमी की जरूरत है ही, रख लेते हैं इसे। कल्लू मामा कल ठीक टाइम पे काम पे आ जाना। अरे डैनियल थुकता है इसी नौकरी पर। बहुत बड़ा गेम खेला है तुम, बहुत बड़ी चाल चली है चांदनी के लिए। तुम हमको पहचाना नहीं, अब पहचान जाएगा। यार ये काले पीले से लोग चांदनी को कहां ले जा रहे हैं? मेरे ख्याल किडनैप कर रहे होंगे। हैं? आखिर कौन हो तुम लोग? क्यों लाए हो यहां मुझे? इनको अपन ने ऑर्डर दिया, डैनियल ने। डैनियल ने तुम्हारे वास्ते क्या क्या नहीं किया? तुमको क्लब में डांस करने का चांस दिया, पैसा दिया, प्रॉपर्टी दिया, रानी बनाकर रखा डैनियल ने तुम्हें रानी, और तुमने डैनियल को ठोकर मार दिया और चली गई उस करोड़पति लौंडे के बाहों में। क्या डैनियल के बाहों में कांटे लगे हुए? Shut up! चुप! अपने यार के साथ मिलकर क्लब खरीद लिया मेरा। क्लब? नाटक करती है, है? नाटक करती है। उसने तेरे वास्ते अपन को बर्बाद किया, अपन भी तेरे को बर्बाद करके उसके पास भेजेगा। कल्लू मामा तूने चांदनी को उठा के अच्छा नहीं किया। देख रहा ना कि मैं बात कर रहा हूं? ये पकड़ और खिसक। चांदनी जी मैं आपको बताने वाला था कि मैंने क्लब खरीद लिया है। क्यों कौवे की तरह खड़ा है? बोल अपने चमचों से कि मैं चांदनी से बात कर रहा हूं और हटे। ये तो तभी ने देखा कि इस कौवे के कौवों ने तुम्हें उठा लिया और मैं यहां पे आ गया। अच्छा किया, मैं यहां से तेरे पास आने वाला था। अच्छा होता कि तुम वहां पे आते, चुपचाप मार खाते और वहीं से हॉस्पिटल चले जाते। अब तुम यहां चांदनी जी के सामने मार खाओगे, कितनी बेइज्जती होगी। और मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मारो इस घोचू को। निकालोगे सामान? ये ले राइट, ये ले लेफ्ट। चॉकलेट टकलेट और बटलेट। हाँ? अरे तुम लोगों को क्या मार खाने के पैसे देता हूँ? काट डालो साले को। पीछे से नहीं पकड़ते? ओह माय गॉड, चलो चलो। कल्लू मामा काले कौवे चल। मालूम है ना सिटी लिमिट के बाहर काले कौवों को मारना अलाउड है। हाथ नीचे, हाथ। ए कौन है? ए खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला चलो।
साहब यहाँ तो फाइट चल रही है, हम जल्दी आगे, थोड़ी वेट ना कर ले। चल अब 5-10 साल के लिए नहीं जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। यार फोन करके आना, हमें और भी बड़े काम होते हैं। चुप, फिर आऊंगा और देखूंगा तुझे। ले जाओ इज्जत से जरा। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? अगर आज आप वक्त पर नहीं आते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपसे ये सब कुछ कहूंगी तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से हुआ है। ना आप ये क्लब खरीदते, ना आज ये सब कुछ मेरे साथ होता। ये मत समझे कि क्लब के सामान के साथ आपने मुझे भी खरीद लिया है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो आपके पैरों में गिरी रहती है पैसों के खातिर। और ये बात राहुल साहब अब तक आपको समझ लेनी चाहिए थी। सर यही गल मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा सी। यह कोई लंडन का पिज्जा या बर्गर नहीं है कि ऑर्डर करो तो चटम कर जो। एक पंजाबी साग है। आप उसे जानती नहीं है नानी माँ। एक नंबर जो का... भी है, उसने तेरी इज्जत बचाई, तेरे लिए लड़ा वो, बजाय उसका एहसान मानने के तू उसे दो बातें सुना के आ गई। ये तूने अच्छा नहीं किया बेटी। बेटी अब तू जाके उससे माफी मांग ले। हाय देयर। राहुल से मिलने आई हो? वैसे राहुल है कहाँ? जी वो अंदर क्या है? अंदर? अंदर भी कोई है क्या? मतलब? अरे छोड़ो यार, यहाँ आकर मतलब नहीं पूछा करते। अरे यार। हाय राहुल। हाय। तुम बैंगलोर से कब आई? आज ही। क्यों आई? इनसे मिलो ये चांदनी। तुम तो बिजी लग रहे हो। वैसे शिकार अच्छा फासा है। डार्लिंग तुम भी क्या चुन चुन कर निशाने लगाते हो? अगर तुम यहाँ खुद चलकर आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर इसने बुलाया है तो जरा होशियार रहना, क्योंकि पहले तो ये टाइम पास करेगा, फिर कहेगा रात बहुत हो चुकी है यहीं रुक जाओ, और इसी बहाने अपनी रातें रंगीन बना लेगा। ओके देन, गुड बाय एंड यू हैव अ नाइस टाइम। इसकी बातों में मत आना, ये अलग टाइप की लड़की है। अच्छा, तुम्हारी नजर में मैं किस टाइप की लड़की हूँ राहुल सर? तुम एक अच्छा हुआ तुम्हारी सारी असलियत मेरे अभी सामने आ गई, वरना आज क्या क्या हो जाता। और वरना आज क्या हो जाता? वरना आज क्या हो जाता? क्या हो जाता आज? क्या मेरी शक्ल पे रेपिस लिखा है? क्या मैं तुमको शक्ल से रेपिस दिखता हूँ? चांदनी, मैं अच्छे खानदान का शरीफ लड़का हूँ। मैं डैनियल के क्लब में मिनी स्कर्ट पहन के नहीं नाचता। शट अप। और फिर जब तुमको असलियत मालूम थी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों और किस लिए बुलाया, तो फिर तुम आई क्यों? आई क्यों? तुम आई क्यों? क्यों आया? गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो मुझे। और देखो आज के बाद मेरा पीछा छोड़ देना, अगर मैं कहीं नजर भी आ जाऊँ ना तो अभी हाँ मुँह फेर लूंगा। हाँ तो फेर लेना। फेर लिया। अच्छा किया। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? जैसे आई थी वैसे ही जाओ। बाहर 4 गाड़ियाँ और 2 ड्राइवर हैं, दोनों को मैंने छुट्टी दे दी। दोनों गए थे प्यार किया तो डरना क्या, देखने टिकट नहीं मिली इसलिए रंगीला देखने, समझी? देखो तुम्हारी गाड़ियों की भी जरूरत नहीं है, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ठंडी ठंडा पी के जाओ, बहुत गर्म हो गई हो। ठंडा पी के जाओ, बहुत गर्म हो गई हो। मैं राहुल से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, ना ही उसके क्लब में डांस करना चाहती हूँ। हाय हाय, तो फिर क्या करेगी? कहीं और डांस करूंगी, नहीं तो शोज करूंगी। इसीलिए तो सीसी पटेल से मिलने गई थी। आय हाय मिलने गई थी तो क्या हुआ, इनकार कर दिया ना उसने? नमस्ते मैडम। हाँ मैं। नमस्ते माँ जी। अरे मैडम आपके पेड़ मेरे घर में क्या पड़े, मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे मेरे शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे को बहुत बड़ा फाइनेंसर मिल गया। हाँ तो अगले हफ्ते लंदन में मैं बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, आपका स्पेशल डांस का प्रोग्राम होगा, आप तैयार है ना? प्लेन से चलना है अपने को। हम भी चलेंगे। बरोबर है, आप जो बोला बरोबर है, और मैं तो कहता हूँ कि सबको चलना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाँ? वो प्रॉब्लम क्या है ना कि बजट नहीं है ना, पैसा। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, मैं सबको लेके जाऊंगा अगले साल, आप लोग तैयार है ना? प्लेन में लेके जाऊंगा सबको। लेकिन पटेल साहब वहाँ चांदनी अकेले कैसे रहेगी? अरे कैसी बात कर रही है माँ जी आप, अकेली कहाँ, पूरा का पूरा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है मेरा, और फिर मैं हूँ ना, चिंता की कोई बात नहीं, खैरियत के साथ लेके जाऊंगा, खैरियत के साथ वापस ले आऊंगा। मैं जाऊंगी नानी माँ, मैं जाऊंगी।
भगवान, मेरी चांदनी ने जो बीड़ा उठाया है उसमें इसे कामयाबी जरूर देना। नानी माँ, भगवान की कृपा और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। माँ जी की डॉक्यूमेंट्स बरोबर नहीं थी, इसलिए मेरे को रोक लिया है। मैं बहुत चिल्लाया कि चांदनी बेबी को भी नीचे उतार दो, वो कैसे जाएगी अकेली बेचारी, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। मैं बहुत चिल्लाया, वो प्लेन उड़ गया और मैं नीचे रह गया। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अभी दो दिन के बाद जा रहा हूं ना पूरा ग्रुप लेके लंदन। दो दिन के बाद? अरे दो दिन तक परदेश में अकेली क्या करेगी मेरी बच्ची, कहां रहेगी, कैसे रहेगी? अरे आप फिकीर मत करो, बेबी बिल्कुल खैरियत से होगी। मैं हूं ना सीसी पार। क्या बात है बेटी, तुम यहाँ अकेली, कुछ परेशानी है? आप हिंदुस्तानी हैं? जी हाँ जी, मैं भी हिंदुस्तान से आई हूँ सीसी पटेल के साथ। वो भी मेरे साथ आने वाले थे, पर मैं यहाँ अकेली आ गई। एयरपोर्ट से मुझे इंडियन एम्बेसी भेज दिया गया, कहा यहाँ कोई ना कोई मदद जरूर मिल जाएगी। वो फिरंगी ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़कर चला गया और अब तो एम्बेसी भी बंद है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? मैं हूँ ना जी। चलो तुम मेरे घर चलो। आपके घर? गाड़ी बस मंजिल आ ही गई है। लो आ गई। ये आपने इतनी वीरान जगह पे गाड़ी क्यों रोक दी? जब कोई जवान लड़की साथ में हो तो वीराने में ही मजा आता है डार्लिंग। शट अप। कम बेबी। कश्मीर की कली, स्टॉप इट। लालबाग से लंदन में? राहुल, राहुल, राहुल। राहुल ने अपना मुंह फेर लिया, सॉरी मैडम। राहुल प्लीज ऐसा मत करो, राहुल मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत मुश्किल से आई हूँ, मुझे बचाओ। जब मैं मुंबई में हाथ धोके तुम्हारे पीछे पड़ा था तो तुम मेरे हाथ में नहीं आई, अब जब मैं लंदन काम के सिलसिले में आया हूँ तो तुम मुझे बिना हाथ धोए मिल गई। राहुल एक बुड्ढा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बहुत मुश्किल से मैं इज्जत बचा के आई हूँ। राहुल ये अच्छा है तुम वहां से इज्जत बचा के मेरे पास आई हो। राहुल राहुल प्लीज मजाक का वक्त नहीं, राहुल मुझे प्लीज इंडियन एम्बेसी छोड़ दो। राहुल प्लीज चलो चलो गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी शुरू करो? तुम्हें क्या लगता है मैडम कि मैं इस लंदन के जंगल के अंदर बोनट खोलकर इस गाड़ी के इंजन के साथ चुमाचाटी कर रहा हूँ? डू आई लुक दैट डेस्परेट टू यू? मतलब गाड़ी खराब है। ओह माय गॉड। ये लो बारिश। और इसके पहले कि आपकी इज्जत लूटने वाले आके मेरी इज्जत लूट लें, अंदर चलिए, रामसे की हवेली है, जाके थोड़ा सा आशा ले लेते हैं। राहुल माइंड चेंज कर लिया? गाड़ी खराब, मौसम खराब, उसके ऊपर से लड़का खराब। राहुल यहाँ हम कब तक रुकेंगे? यही कोई 15-20 साल। प्लीज राहुल मजाक छोड़ो। अरे मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ क्या, ज्योतिषी? आई डोंट नो, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, सुबह को निकलेंगे। फिर कहेगा रात बहुत हो चुकी है, यहीं रुक जाओ।
और इसी बहाने अपनी रातें रंगीन बना लेगा। नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, बस थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे, है ना? अरे थोड़ी देर में क्यों, अभी चले चलते हैं। यहाँ से निकलेंगे, लेफ्ट में 80 साल का वास्ता का पुजारी मिलेगा और राइट में जंगल है जहाँ पे अंग्रेजी जानवरों को हिंदुस्तानी खाना मिलेगा। अरे जानम समझा करो, फायर है, फायर के बाजू में बेड है, मैं हम दोनों का बेड सजा के आता हूँ। ओके एक्सक्यूज मी। आ जाओ आ जाओ। अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे ठीक हूँ, वैसे भी मुझे ठंड नहीं लगती। अरे वहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा है। मैं really okay है, मैं ठीक हूँ, मैं हाँ। कहीं तुमने मुझे वैसे तो नहीं समझा? नहीं नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम ऊपर सो, अगर तुम्हें ऊपर ठंडी लगे तो तुम नीचे आ जाना, और अगर मौसम बदल गया और मुझे गर्मी लगे तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। What's the problem? I'm okay. ये हनीमून स्वीट है, यहाँ पे मुझ जैसा हैंडसम लड़का और तुम जैसी खूबसूरत लड़की शादी करने के बाद आते हैं, और ये कमरा इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी करना चाहे। मैं जानती हूँ, ये बेडरूम होगा। बिग बेड, बिग बेड। इतना बड़ा बेड? ये हनीमून बेड है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ इधर से लेके इधर तक और इधर। सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ, आप वहाँ बाहर सोफे पर जाइए। लेकिन कब तक? ये बाथरूम तो किसी महल की तरह लगता है। राहुल, मैं सोच रही हूँ इस रूम के चार्जेस क्या होंगे। अरे लेकिन तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? क्यों, इतनी जल्दी भूल गए? जो भी खर्चा होगा उसमें का आधा मुझे देना है। मैं तो सोच रही हूँ इतने बड़े रूम के पैसे मैं दे सकूंगी या नहीं। मगर पैसे चुकाने के और भी तो रास्ते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इजी इंस्टॉलमेंट, 15 साल मिनिमम, 25 साल मैक्सिमम, 100% के ऊपर 75% माफ, 25% के ऊपर 12.5% माफ। इसका मतलब है कि 100% के ऊपर आपको सिर्फ 4.5% देने पड़ेंगे, उसके ऊपर से मैं 2.5% माफ करता हूँ। इसका मतलब कि आपको सिर्फ 2% देने पड़ेंगे। इसका मतलब कि हर महीने 25 साल तक आपको मुझे 35% देने पड़ेंगे। मेरी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कपड़े भी खरीदने, 4 दिन से एक ही अंडरवेयर पहना और मुझे इरिटेशन और खुजली भी हो रही है। चलो यार शॉपिंग। राहुल क्या चीज कट पीस? अरे बचा ले मेरे दोस्त, 6 महीने से मेरे साथ में घूम रही है, प्लीज 1 मिनट। और कह रही है पैसे 150 पाउंड मांग रही है, अरे थोड़ा पैसा देना, माँ बनने वाली है, अरे पैसे दे मेरे को, 1 मिनट यार। डॉलर्स कितने? ये सब चलेंगे, 1 मिनट। ये मैं अंदर रख लेता हूँ। इमोशनल हो रही है, कह रही है कि मुझसे शादी कर ले, अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो ये मुझे अंदर करा देगी, और यहाँ की पुलिस मारती नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट देती है, मुझे बचाना मेरे यार प्लीज। अरे बात थैंक यू।
क्या चीज कटी। लेकिन तूने उसे क्या बोल दिया जो ऐसे प्यार से चली गई? यार मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि तू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कमीना कुत्ता हरामजादा है, फ्रॉड है, चीटर है, दल्ला है, दल्ला बस। व्हाट अ फ्रेंड, कांग्रेचुलेशंस। आप आए कब? एक हफ्ते हो गया। एक हफ्ता हो गया? अकेले आए हो, किसी को साथ में लेकर आए हो? झूठ नहीं बोलना। अगर किसी को साथ में लेकर आए हो तो अपन वही करेंगे जो कॉलेज में करते थे। वन चिंग पॉंग। क्या चीज कट पीस। मेरे बेटे अब तेरे डैडी के पास और पैसे नहीं है। डैडी ये पैसे लेने वालों में से नहीं है, ये मम्मी पैसे देने वालों में से है। हाय बेबी, लेट्स गो वॉच टाइटैनिक कमिंग। कमीना है, हैं? कहाँ चली गई थी तुम? और राहुल? राहुल ये किसके साथ आया है? चांदनी के साथ। 2000 pounds? मतलब ऑलमोस्ट 1,25,000 rupees। नहीं राहुल, इतना महंगा ड्रेस। ड्रेस तो बहुत अच्छा है लेकिन इसे पहनने की मेरी हैसियत नहीं है। अरे मेरी तो हैसियत है ना, मैं तुम्हें ये ड्रेस दे रहा हूँ ना। नहीं राहुल नहीं, लेकिन ये अच्छे है, ये बहुत अच्छे है, ये ठीक है। एक काम करो, तुम जाके कॉफी शॉप में कुछ ऑर्डर करो, मैं जरा रूम से आया। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। आई विल बी द बैंक एट 10:30 श्योर। दादाजी, दादाजी बरखुदा, आप लंदन में आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप यहाँ? दादाजी याद है आपको वो मक कंपनी के शेयर्स आपने कहा था खरीदने के लिए, जो व्यागरा जनन, जहाँ आप उस बिजनेस के सिलसिले में यहाँ? जी हाँ, लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। बहुत खुशी हुई बेटे, आप बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए और आप देख रहा हूँ कि आप अकेले आए हैं। जी हाँ। कोई भी आपके इर्द गिर्द नहीं? कोई भी तना नहीं। जी अकेले? जी राहुल। ओ राहुल, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। जी चाहता तुमसे बात ना करूं। मुझे पेरिस ले जाने का वादा करके खुद चुपचाप इंडिया चले गए। मोनिका, ये मेरे दादाजी हैं। हाय दादाजी। राहुल, कितने दिनों बाद मिले? सुना आपने? सुना, बहुत दिनों के बाद मिले। आज शाम को क्या कर रहे हो राहुल? दादाजी और मैं चेस खेल रहे हैं। ए बहाने मत बनाओ। हाँ, यहाँ एक नया डिस्कोटेक खुला है, इट्स टू गुड, लेट्स गो देयर। आप भी चलिए ना दादाजी, मजा आएगा। टाइम क्या हुआ राहुल? ओ माय गॉड, आई एम लेट फॉर माय शूट। अच्छा चलती हूँ, आई सी यू इन द इवनिंग। हाँ, एंड यू टू दादाजी, बाय। दादाजी आपको पूरा वेट मेरे पे आ रहा है। परखोदार, आपकी दोस्ती के गुलदस्ते में कोई ऐसा एक फूल नहीं जिससे तहजीब और शराफत की खुशबू आए, है? कमाल हो गया, इतनी देर कहाँ लगा दी इसने। हाय चांदनी, हैरी, पहचाना मेरे को? जी। क्या चीज कट पीस। कौन है आप? तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। इंडिया में मैं तुम्हारा कोई भी शो मिस नहीं करता था। हवा में मैं सिगरेट के धुएं के साथ जलेबी बनाया करता था। अरे तुम्हारे एक एक ठुमके पर हजारों रुपए की बरसात कर देता था। व्हाट डांस, व्हाट परफॉर्मेंस, क्या चीज कट पीस। लगता तुमने मेरे को पहचाना नहीं। मुझे जाना है। रिलैक्स, टेक इट इजी।
मैं भी इसी होटल में हूं, रूम नंबर 702। अकेला हूं। पुलिस भिजवा दूं? अकेलापन दूर हो जाएगा। यूज़लेस। अब हम थक गए हैं। इस ट्रिप में हम इंग्लैंड और अमेरिका के सारे कारोबार वाइंड अप करके आपकी झोली में डाल देंगे। फिर हम यहाँ से हिंदुस्तान वापस जाएंगे, एक अच्छे खानदान की लड़की आपके लिए चुनेंगे, उससे आपकी शादी करवा देंगे, ठीक है? दादाजी आज इंडिया और पाक। Let's go and watch it from my room. Come on, let's go. राहुल, राहुल। I understand your problem. कब तक मॉडलिंग पर अपनी जिंदगी गुजारती रहोगे? बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें राहुल जैसे रईस लड़कों की जरूरत तो पड़ेगी ना। आई अंडरस्टैंड मोनिका, आई अंडरस्टैंड। रिलैक्स, टेक इट इजी। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राहुल से चांदनी को अलग कर सकता हूँ परमानेंटली। उसके बाद तुम राहुल की बाहों में हमेशा के लिए जा सकती हो मेरी मदद से। और फिर राहुल से जो भी कुछ मिलेगा उसमें से थोड़ा मैं ले लूंगा। मुझे राहुल चाहिए। I want राहुल। राहुल तुम्हें मिल जाएगा। सिंह साहब, मैं होटल छोड़ना चाहता हूँ, एक कमरा दीजिए ना मुझे। सिंह साहब, आप भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी होने के नाते कुछ कीजिए ना प्लीज। कॉरिडोर, सेवन क्वार्टर्स, आपका कमरा, आपका कमरा। काट दिया। राहुल, राहुल तुम भी कमा लो, मैं वहां नीचे तुम्हें आवाज बस। वैसे ही गड़बड़ हो चुकी है, अभी कमरा छोड़ जाना पड़ेगा हमें। क्यों, इस कमरे में क्या खराबी है? खराबी? अरे अच्छा ही क्या इस कमरे में, मुझे बताओ ना, अच्छा ही क्या इस कमरे में? ओह दैट ब्लडी वन सोफा, ट्राइंग टू स्लीप, कैन नॉट स्लीप सोफा। और ये इतना बड़ा बेड है जिसमें तुम अकेली सो रही हो, उसमें मैं सो नहीं सकता। अरे ये भी कोई हनीमून का बेड है? इतना बड़ा, एक पार्टी उस तरह सोए, एक पार्टी इस तरह सोए। अरे इससे अच्छा अपने अपने घर जाके सो जाना यार। और ये बाथरूम है? कोई बाथरूम है? चारों तरफ आने लगे, खुद ना और खुद अपने आप को देखो जैसे अभी आपने आपको देखा ना, ब्लडी परवर्टेड माइंड्स। और सुनो, हेलो, ये जो रूम है ना, ये तुम्हारे बजट के बहुत बाहर है और तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं देने वाला, मैं पूरी जिंदगी कर्जे में निकल जाएगी। जाओ देखो कौन आया। ओके। बड़ी बैग लटका थी, चली गई। अरे रुको रुको, ये पकड़ो, सिंह का फोन करो, मैं देख के आया। दादाजी आप इधर। बरखुदार, हम दोनों एक ही होटल में रहते हैं, आपके बगैर हमारा दिल नहीं लगता। हमने सोचा क्यों नहीं हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहें। अच्छा विचार है ना हमारा। दादाजी ये कमरा तो मैं खुद छोड़ना चाह रहा हूँ। छोड़ना चाह रहे हैं? क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? दादाजी क्योंकि इस कमरे में भूत है। भूत? जी दादाजी, दादाजी, दादाजी इस कमरे में कुछ अजीब अजीब से किस्से हो रहे हैं। मैं लेटा हूँ, मेरे ऊपर कोई हवा में तैर रही है। हवा में तैर रही है? जी, ट्रे जा रहा है। ट्रे जा रहा है? जी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कौन ले जा रहा है? मोगरे की खुशबू, पायल की झनकार। पायल की झनकार? दादाजी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी वेट्रेस की आत्मा तड़प रही है टिप के लिए। वेट्रेस की आत्मा तड़प रही है टिप्स के लिए? क्या बकबक कर रहे हो तुम? अब हम आ गए हैं, दोनों साथ रहेंगे, कोई फिक्र करने की बात नहीं, चलो। दोनों नहीं, तीन, तीनों। सुना, सुना आपने? ये किसकी आवाज है? दादाजी उसी चुड़ैल की आवाज है। तुम पागल हो गए हो? नहीं दादाजी, दादाजी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस भरी जवानी में हार्ट अटैक से कहीं मर नहीं जाऊं। दादाजी, दादाजी हम दोनों इतने दिनों के बाद मिले, आप अलग मैं अलग, मैं तो कहता हूं कि हम दोनों एक साथ रहते हैं आपके कमरे में। आप चलिए, मैं अपना सामान पैक करके आता हूं। ओके। मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ नाश्ता। क्या खाएंगे आप? नाश्ता। आई कॉल फॉर इट। सामान लेकर फौरन चले आओ। एक्सक्यूज मी, आप हिंदुस्तानी हैं? सफी सदी हिंदुस्तानी है, क्यों? नमस्ते। नमस्ते, जीते रहो बेटी, बैठो बैठो। थैंक यू। वो यहाँ पे कोई मंदिर होगा? मंदिर? भाई लंदन तो हम आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई वाकफियत नहीं कि मंदिर है कि नहीं। यहाँ आते ही पूजा पाठ बिल्कुल ही भूल गई हूँ, क्या करूँ, कोई मंदिर ही दिखाई नहीं देता। तुम्हारी पूजा तो हो गई बेटी। क्या मतलब? पूजा के लिए मंदिर ढूंढना एक किस्म की पूजा होती है, और फिर जिसे
मंदिर की तलाश होती है पूजा के लिए, भगवान तो उसके दिल में बसता है, दिल में। कहाँ की हो तुम? हिंदुस्तान की? मुंबई। बॉम्बे, गुड ऑल मुंबई। लंदन कैसा लग रहा है? बेहद खूबसूरत, लेकिन अपना देश फिर भी अपना देश होता है, और अपना खाना होता है। 3 दिन से इंडियन खाने के लिए तरस गई हूँ। हिंदुस्तानी खाना खाओगी? हम ले चलते हैं आपको हिंदुस्तानी खाना खिलाने। जी जी नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। अगर यही बात हम अपनी बेटी से कहते ना, तो हमारी बेटी सिर्फ इनकार नहीं करती, जिद करती, हमारा हाथ पकड़ कर कहती, कम ऑन टेक मी टू एन इंडियन रेस्टोरेंट। अगर ऐसी बात है दादाजी, तो फिर ले चलिए हमें हिंदुस्तानी खाना खाने, अभी। लेट्स गो बेटी, लेट्स गो। ओके, चलो। वाह दादाजी वाह, ऐसा लग रहा है खाना लंदन में नहीं अपने देश में खाया हो, और वो भी अपने दादाजी के साथ। ये दादाजी दादाजी ज्यादा तो नहीं हो रहा? नो नॉट एट ऑल। इसी बहाने हमें भी एक एक पोती मिल गई। वैसे हमारा एक एक ही पोता है, स्वीट है, लेकिन बहुत नालायक है, अव्वल नंबर का झूठा है, बात बात पर हमें बेवकूफ बनाता है, और हम बन जाते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी एक ही औलाद थी, उसकी और हमारी बहू की यह आखिरी निशानी है, हमारी जिंदगी का यही सहारा। उसकी गलतियों को अगर हम माफ नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? दादाजी बड़ा खुश नसीब है आपका पोता, जिसे आप जैसे चाहने वाले और नेक दिल दादाजी मिले, बड़ा खुश नसीब है। हाँ, कहाँ चली गई थी तुम? और राहुल, करने तो पूजा गई थी लेकिन पेट पूजा करके आ गई। अकेले? दादाजी मिल गए थे। दादाजी? अरे तुम्हें दादाजी कहाँ से मिल गए? राहुल बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे हैं। बड़े नेक इंसान है बेटा, तेरी दादाजी लग रहे मुझे तो। मोटे होंगे? हाँ। नीली नीली आंखें? हाँ बिल्कुल। सफेद बाल, दाढ़ी? हाँ। कुछ सोच बेटा, तेरे लग गए। राहुल तुम जानते हो उन्हें? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ज्यादा करके हर दादाजी ऐसे ही होते हैं। और अगर आप फिर से उन्हें कहीं मिले तो आप उन्हें अपनी जीवन कथा मत सुनाइए कि आप कहाँ से आई हैं, कहाँ ठहरी हैं और किसके साथ ठहरी हैं। क्यों? समझी? क्योंकि ये परदेश है और परदेश के दादाजी इंडिया के दादाजी की तरह नहीं होते। लेकिन राहुल वो तो इस तरह के इंसान बिल्कुल ही नहीं है, और फिर मैंने तो उन्हें अपने बारे में इतना बताया ही नहीं जितना उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। ये बताया होगा ना कि मेरा पोता बड़ा ही नालायक है। यही बताया था। दादाजी के पेट में कोई बात नहीं रहती। एक काम करो, गाड़ी में बैठो, हम लोग चलते हैं। राहुल तुम जानते हो ना दादाजी को, तुम मिल चुके हो ना उनसे? अरे यार अक्सर दादाजी इसका हुलिया ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ के दादाजी और हिंदुस्तान के दादाजी में बहुत फर्क है। यहाँ वालों की नियत खराब होती समझी, अरे डर लगता है यार कि कहीं बेटी बेटी बोलकर हाथ वाथ नहीं फिरा दे। और सुनो, जिस पे तुमको भरोसा करना है उस पे तो तुम कर नहीं रही हो, और जाके एक बुड्ढे पे, देखो एक बुड्ढे से मैं तुम्हें बचा चुका हूँ, आप दूसरे बुड्ढे से नहीं बचाऊंगा क्योंकि बचा नहीं पाऊंगा। हाँ तो मत बचाना, तुम क्या समझते हो अपने आप को, एक तुम ही नहीं हो लंदन में, मैं दादाजी के साथ रह लूंगी। अरे सुनो, बार बार सुनाता रहता है। अरे ये दादाजी जवानी में मुझसे भी 4 कदम आगे थे। बिल्कुल नहीं सुनिए तुम्हारी बातें मुझे, मेरे पीछे मत आना अभी। चांदनी? ओ चांदनी जी, दादाजी। दादाजी इधर आओ, इधर आओ, आप भी इधर आइए। तुम कहाँ जा रही हो? और आप इनके पीछे क्यों दौड़ रहे? क्यों क्यों है? आप एक दूसरे को जानते हैं क्या? जी दादाजी, ये दादाजी, ये मेरी दादाजी आपकी बहू है। क्या कहा? कम अगेन? आपकी बहू है, मैंने से शादी की है। आपने शादी कर ली? हमें एक फोन तक नहीं किया आपने और शादी कर ली? दादाजी मैंने शादी नहीं की, मैंने एक जिंदगी बचाई है। ऐसा हुआ कि मैं एक दोस्त की शादी में गया, दोस्त क्या, वो तो एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान निकला, और इनकी शादी उससे हो रही थी जी। फेरे होने से पहले उसने इनसे कुछ 10 लाख रुपए दहेज में मांगे। अब ये बेचारी गरीब, दादाजी गरीब, ये गरीब खानदान से, इसके बाप ने
उस जानवर के सामने अपनी पगड़ी निकाल के रख दी कि हमारे पास पैसे नहीं दूल्हे राजा, लेकिन वो कमीना माना नहीं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनका हार्ट फेल हो गया, वो मर गए। राहुल तुम चुप रहो, मैं बोलता हूं, ये देखकर इनकी मां भी मर गई, ये खुदकुशी करने चली गई थी। मैंने इनको रोका दादाजी, मैंने इनको रोका, मैंने कहा मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरे दादाजी है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, हमें नहीं चाहिए दहेज वहेज, ये कह के मैंने उन्हें बचा लिया, लेकिन उनके मां बाप को नहीं बचा पाया, काश मैं उन्हें भी बचा पाता। आप ही कहिए दादाजी, मैंने सही किया गलत? दादाजी मैं आपको सब कुछ नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, राहुल मैं अपने दादाजी को जानता हूं। चांदनी बिटिया आओ पैर छुए। राहुल दादाजी दादाजी सर नमस्ते चांदनी जी। दादाजी बैठे। सर दादाजी आप कहाँ हैं? सर मिस्टर सिंह आप यहाँ क्यों आए? मैं तो ऐश। ऐश ऐश काम सर। ऐश कहने आते थे यहाँ पे? दादाजी मैंने फैक्स सिलसिले में बुला था। कारोबार के सिलसिले में? तो मेरे साथ सीसी पटेल भी आए हैं, तो उन्होंने आपके रहने का इंतजाम कर दिया है, मैसे ये था कि आप शो की तैयारी करें। ये सीसी पटेल कौन है? दादाजी ये इनके मामा है। मामा? चांदनी जी आपने बताया नहीं कि सीसी पटेल आपके मामा है। ये चांदनी जी क्या लगा रखी है आपने? भाभी जी क्यों नहीं बोलते है? सर आपने बताया नहीं कि आपने शादी कर ली है? आपने इनसे भी छुपा रखा है? दादाजी मजाक कर रहा है। ये मजाक का वक्त नहीं है मिस्टर सिंह। नहीं सर मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने शायद भंगड़ा भी डाला शादी में। और वो किस शो की बात कर रहे थे आप? दादाजी इनके माँ बाप की ख्वाहिश थी कि ये एक बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर बने, इसलिए इनके मामा ने यहाँ पे एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, छोटा सा, जिसमें ये परफॉर्म करेंगी। सर आपने बताया नहीं कि ये भरतनाट्यम भी जानती है। दादाजी इसे बताइए कि ये मजाक करने का वक्त नहीं है। ये मजाक का वक्त नहीं है मिस्टर सिंह, आप मेरे साथ आइए, बिजनेस की बात करनी है, चलिए मेरे साथ। दादाजी 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 गए, उनके ग्रैंडसन यहाँ पर हैं। बोलिए चांदनी जी कैसा लगा आपको मेरा परफॉर्मेंस? समझ क्या रखा है इसने अपने आप को, न सोचा न समझा, बना दिया मुझे अपने में भी। ऐसा कभी होता है बोला? मेरे बाप को मार डाला, मेरी माँ को भी मार डाला, उस सीसी पटेल को मेरा मामा बना दिया, पता नहीं किसके साथ मेरी शादी रचाने जा रहा था, वो अभी रुकवा दी और खुद में ही शादी रचा ली। कमाल हो गया, इतना बड़ा झूठ, वो भी अपने दादाजी के साथ, और अभी सॉरी 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 करके पीछे पीछे घूम रहा है। लेकिन मैं इसके झांसे में नहीं आने वाली, आने तो दो जरा, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि मैं
ये कैसे हुआ मेरी चांदनिया, कहीं चैन न दे मुझे दिल की लगी, तेरे पीछे फिरे लिए दिल की लगी, रुक तो कहाँ चली, ओ हो तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह ठीक है चांदनी, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर मैं दादाजी से झूठ नहीं बोलता तो वो सारी दौलत अनाथ आश्रम में दान कर देते। क्यों? अनाथ आश्रम क्यों? ये एक बहुत लंबी कहानी है। सच तो ये है कि दादाजी की नजरों में मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है। राहुल, दादाजी की नजरों में तुम्हारा रेपुटेशन ठीक नहीं, मेरी नजरों में तो तुम्हारा रेपुटेशन बिल्कुल ही ठीक नहीं। तो फिर किसकी नजरों में तुम्हारा रेपुटेशन ठीक है ना? अरे मेरी नजरों में मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छा है, तुम नहीं जानती। मुझे अपनी पत्नी बनाने से पहले तुमने कुछ सोचना तो चाहिए था। जानम समझा करो। हाँ? तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारे काम आया था ना, अब तुम मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आओ। दादाजी आप यहाँ? हम आपसे बहुत नाराज हैं। ये किसका आइडिया था? राहुल, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। माफ कर दें? हम माफ कर दें तुम्हें? तुमने ठेस पहुंचाई है हमारे दिल को, ठेस। तुम भूल गई हैं कि बगैर मांग में सिंदूर और ये गले में मंगलसूत्र एक सुहागन अधूरी होती है, अधूरी। तो आप हम जरा पुराने ख्याल के लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर की बहू जो है ना, उसकी उसकी मांग में सिंदूर होना चाहिए, उसके गले में एक मंगलसूत्र होना चाहिए। इसे पहन लो बेटी, हम राहुल को समझा देंगे, वो कुछ नहीं कहेगा। मैं इसे नहीं पहन सकती दादाजी। क्यों नहीं पहन सकती? तुम इसकी अहमियत नहीं जानती। जानती हूँ, इसकी अहमियत जानती हूँ, इसीलिए नहीं पहन सकती। मैं समझा नहीं। हमारी शादी नहीं हुई है दादाजी। क्या? तुम शादीशुदा?
तुम शादीशुदा नहीं हो और तुम राहुल दोनों अकेले इस कमरे में। नहीं नहीं दादाजी, भगवान के लिए हमें गलत मत समझिए। हम एक साथ रह जरूर रहे, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। और कुछ मत कहो, कुछ मत कहो तुम। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। राहुल कुछ कहता है तुमको, तुम हो कौन? तुम कौन हो? मैं एक क्लब डांसर हूँ। क्लब डांसर? डांस करना शौक नहीं है मेरा, वो मेरा पेशा है, मेरी मजबूरी है दादाजी। क्योंकि मेरा जन्म ही ऐसे घर में हुआ जिस घर से डोली नहीं उठती। मेरे पिता ने मेरी माँ को अपनाने से इनकार कर दिया। मेरी माँ उस सदमे से चल बसी। नानी और मौसियों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। थोड़ी बहुत पढ़ाई के बाद हालात ने स्कूल से नाइट क्लब पहुंचा दिया। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई। हर लड़की की तरह मेरे भी सपने थे, किसी की दुल्हन बनूं, मांग में सिंदूर सजाऊं, गले में मंगलसूत्र डालूं। राहुल से जब मैं मिली तो ये सारे सपने सच होते हुए नजर आने लगे। लेकिन उसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। तब मैंने तय किया, कम से कम इतनी दौलत कमाऊं कि अपनी मौसी की बेटियों को इस दलदल से दूर रख सकूं। इसलिए मैंने डांस प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मगर मेरी किस्मत देखी, मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि मैं परदेश में एकदम अकेली पड़ गई। और वक्त ने फिर मुझे राहुल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मुझे मजबूरन कुछ दिन उसके साथ रहना पड़ा। और इस बीच जब आपसे उसकी मुलाकात हुई तो घबराहट ने उसने आपसे झूठ बोल दिया कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ये मंगलसूत्र है ना, इसे पहन लो तुम। जी, हमारे घर में जब भी बहू आएगी ना, वो तुम ही होगी। दरवाजा जल्दी खोलने को नहीं होता है। ये क्या इंडियन? अरे इंडियन इंडियन, अरे वाह, बहुत बुरी लग रही हो। और ये क्या गोल्डन? अरे ये तो मंगलसूत्र है। अरे यार ये तुम्हारा क्या नाटक है? नाटक नहीं है बरखुदार, ये हकीकत है। शादी तो आपने कर ली है, मंगलसूत्र नहीं पहना है। मंगलसूत्र पहनाइए। लेकिन दादाजी कैसे पहनाऊं? ऐसे हाथ में लेकर, इसके गले में? हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि आपने शादी की है, आपकी पत्नी है, आप मंगलसूत्र नहीं बनाएंगे? लेकिन इसका कोई टाइम मुहूर्त कुछ? शादी के लिए मुहूर्त निकाला जाता है, मंगलसूत्र के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। आप मंगलसूत्र पहनाइए। अरे मुंह क्या देख रहे हो मेरा? हाँ? खड़े हो, खड़े हो, आशीर्वाद लो। उल्लू कहेंगे जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। चांदनी, हाय मून, हाउ आर यू? सो नाइस टू सी यू हियर, लुकिंग एज प्रिटी एज एवर। क्या हुआ, हाथ पीछे क्यों खींच लिया? ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये क्या है? मंगलसूत्र है। लेकिन तीन दिन पहले तो आपके गले में कोई भी सूत्र नहीं था, ये अचानक मंगलसूत्र कहाँ से आ गया? हाँ, क्योंकि तीन दिन पहले मेरी शादी नहीं हुई थी। और अब? अब हो गई है। ये किससे शादी कर ली आपने? राहुल, वो मेरे पति हैं। राहुल ने शादी कर ली, वो भी तुम्हारे साथ? देखो चांदनी, देयर इज सम प्रॉब्लम। क्या हो रहा है? दादाजी, ये राहुल के दोस्त हैं। नमस्ते। अगर सही लग रहा है सर, इनकी शक्ल पे तो कहीं नहीं लिखा होगा कि ये लुचे लफंगे। आपने ये आइडिया कैसे लगा लिया? बस यही फर्क है तुम्हें और मुझ में। क्यों, क्या परेशानी है? नहीं, मैं कह रहा था कि भाभी जी राहुल ने वेरी गुड वेरी गुड, नमस्ते भाभी जी। और तेनू मैं देखूंगा पंजाब। भाई नहीं दंदा देखा दादाजी? हाय बेब कहता हुआ आया था और भाभी जी कह के चला गया। कितनी ताकत है इसमें? बहुत ताकत है इस मंगलसूत्र में। ये बुरी नजर वालों को जलाकर
राख कर देता है। सर जी, टेक्निकली स्पीकिंग, इसमें जो काले मोती होते हैं ना, ये बुरी नजर वाले का मुंह काला कर देते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैंने ऐसे सुना है। टेक्निकली सुना? पागल है। माय गॉड, राहुल, शो के दिन तो ये पूरा हॉल भरा होगा ना? ऑफ कोर्स, चांदनी जी का शो, मैं यहाँ बैठा होगा, तब भी वहाँ बैठा होगा, तुम्हारा मामा सीसी पटेल गेट पे खड़ा होगा, टोटली सोल्ड आउट शो। कमाल है यार, अभी से घबरा रही, शो में क्या होगा? तुम नहीं समझोगे राहुल, ये शो मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। जिंदगी में पहली बार एक मामूली डांसर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक कलाकार की हैसियत से मैं शो करूंगी, और वो भी इतने बड़े ऑडिटोरियम में। राहुल, उस दिन तुम रहोगे ना मेरे साथ? दादाजी भी इधर ही है ना, तो फिर मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं भी इधर ही हूँ। ये भाई, नमस्ते। नमस्ते। ये मैडम किधर है? चांदनी जी दीवार पे उल्टी लटकी हुई है। पटेल साहब, ये मैडम, आप हद कर दिया आपने तो। कुछ नहीं कही है मैडम, कुछ नहीं कही है। मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि पूरी गलती मेरी है, और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, लेकिन लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और देखिए ना, सब ठीक हो गया है। अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन रिहर्सल कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। नीचे है ना मैडम, आप जाइए। अरे आप फेरो यार, मैडम आप जाइए, आप जाइए। वो क्या है ना यार, कि आप तो लंदन की गलियों से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, मैं भी इधर हर महीने आता हूँ, लेकिन ये एड्रेस नहीं मिलता। ये बताओ ना, एड्रेस किधर है? मुंबई का है, है? मुंबई का है, नरीमन पॉइंट मुंबई। अरे चांदनी, दिव्या, चांदनी, हाय, तू यहाँ कैसे? तू यहाँ कैसे? मैं यूरोप की सैर करने आई है अपने हस्बैंड के साथ। ये है अश्विन, दिव्या के हस्बैंड। नमस्ते जीजा जी। अरे हाँ, तू तो मिल ही नहीं पाई थी ना शादी में इनके। अश्विन बहुत बड़े घर का लड़का है, रेडीमेड गारमेंट्स की दो दो फैक्ट्रियां हैं इनकी। कैम्ब्रिज गारमेंट्स, लंदन आना जाना रहता है। इस बार कहने लगे, मम्मी आप भी हमारे साथ चलिए। और तू, तू यहाँ कैसे? कहीं तू किसी के साथ मंगलसूत्र? तेरी शादी हो गई है? चांदनी, तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? जीजू कहाँ है? आते ही होंगे, मैं उन्हीं के साथ आई हूँ लंदन। राहुल, राहुल, ये मेरी बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी सहेली है। नमस्ते, नमस्ते। ये उनकी मम्मी है। नमस्ते, कैसी हैं आप? और ये उनके पति। हाय, हाय, नाइस टू मीट यू। और ये मेरे पति राहुल। अच्छा, क्या करता है? कुछ खास नहीं, कुछ फैक्ट्रीज है इंडिया में, कुछ कपड़ों की मिले हैं, यहाँ लंदन में भी कारोबार है। मेहरा इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। यू मीन राहुल मेहरा? मेहरा इंडस्ट्रीज के एक लौते वारिस राहुल मेहरा, आप ही? तुम जानते हो ये? नहीं। अरे माँ, जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। अरे माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपका दामाद जो कुछ भी है, वो इन्हीं की मेहरबानियों की वजह से। और हमारी गारमेंट फैक्ट्री में जो कपड़ा आता है, वो इन्हीं की फैक्ट्री से आता है, वो भी 100% डिस्काउंट पर। माँ, I just can't believe this, ma. जिस शख्स से मिलने के लिए मैं सदियों से बेचैन था, आज वो शख्स मेरे सामने खड़ा है। लेकिन मैं आपको नहीं जानता। That's not important, Rahul साहब। Rahul साहब, अरे क्या पकड़ रहे हैं? भगवान की तरह है। Rahul साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत खुशी हुई। और सबसे खुशी की बात यह है Rahul साहब, कि आप दिव्या की सहेली के पति हैं। अगर मुझे आपको मस्का लगाना है तो मैं इनसे कह दूंगा, और ये चांदनी भाभी से कह देंगी। क्यों भाभी? और मेरा काम हो जाएगा, है ना माँ? ठीक है ना माँ? चांदनी से कहूंगी तो वो ना थोड़ी ना कहेगी। चांदनी भी दिव्या की तरह मेरी बेटी जैसी है। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो आपको हमेशा मेरी फिक्र रही कि कब मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। चांदनी, तू ठहरी कहाँ है? होटल हिल्टन। मैं तुझे फोन करूंगी। ओके, बाय। तो सर, मैं आपको फोन करूंगा। हाँ माँ, चलो, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। थैंक्स राहुल। किस लिए? तुम नहीं समझोगे। ओके। सुनो, रिहर्सल के बाद मुझे पिकअप करने आ जाओगे? बाय। लव हुआ, अब ये न पूछो ये कब हुआ। ए लव हुआ, हमको खबर है ये कब हुआ।
कब हुआ। दोनों ने चाहा ये तब हुआ। Love is happening.
I love you. Oh, really? I love you too. राहुल, जब कोई लड़की इस तरह से खुश नजर आए तो उसका मतलब होता है मोनिका। मैं देखना चाहती थी कि तुम किसका नाम लेते हो। पॉम्फ्रेट की खुशबू से तुम्हारे हाथ में सताती है। चांदनी, मोनिका। हाय चांदनी। हेलो। मंगलसूत्र? हाँ? लेकिन ये तो शादीशुदा औरतों के गले में होता है। अरे तू ही शादीशुदा है ना, मैंने से शादी की है, ये मेरी बीवी है। really? क्या? ये मेरी बीवी होने का नाटक कर रही है। नाटक? हाँ? तुम्हें क्या बताऊं कि बीवी का नाटक करके मेरी कितनी मदद कर रही है, वरना दादाजी तो मुझे किकआउट कर देते। और आजकल मालूम दादाजी को अपने पोते से ज्यादा अपनी बहू की फिक्र है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरे गले में भी मंगलसूत्र डाल दो और फिर देखो, सारा दिन दादाजी दादाजी करके उनके आगे पीछे घूम के मैं भी उनका दिल जीत लूंगी। लेकिन ना तो मुझे किसी को धोखा देना आता है और ना ही मेरे दिल में करोड़ों का लालच है। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। मैं भी साथ चलता हूँ। ए राहुल, चलो ना कहीं बैठ के कॉफी पीते हैं, चलो ना। ए ये सब क्या हो रहा है, हाँ? मैं क्या कर सकती हूँ दादाजी? तुम सब कुछ कर सकती हो। हुँ? और तुम्ही को करना है। हम अगर चाहें तो एक चुटकी बजाते ही सब तमाशा बंद हो सकता है, लेकिन अब ये हमारी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी। राहुल की इस बेवफाई को अपनी तकदीर मत समझो। अच्छा बैठ लग, राहुल को तुम अपनी जागीर समझो। जागीर? तुम तो कहती थी कि ये इस मंगलसूत्र में बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत होते हुए अब तुम हौसला खो बैठी है? Come on, जा राहुल पर अपना अधिकार जमाओ। Go, get him. Come on. राहुल, राहुल। हाय चांदनी। हाय, चलो बाहर आ जाओ। मुझे रात को स्विमिंग करने से ठंड नहीं लगती। मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए कहा है राहुल। हुँ? तुम जाओ चांदनी, राहुल आ जाएगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। राहुल बाहर आ जाओ वरना। क्या धमका रही मुझे? ये देखो, नुकसान तुम्हारा है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। राहुल प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। बाय। तब तुम ब्लैकमेल भी करने लगी हो। मैं समझती हूँ इतना हक तो बनता है मेरा। तुम्हारा क्या हक है और क्या नहीं है मुझे मत समझाओ। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, दादाजी सुन लेंगे। चले बाय। नमस्ते भाभी जी। बैठिए बैठिए, आपसे तो छोटी सी बात करनी थी। तुम्हारी बेमतलब की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। जिस मंगल सूत्र को पहनकर तुम नाइट क्लब की चांदनी से भाभी जी बन गई हो, उस मंगल सूत्र पर इतना घमंड मत करना, क्योंकि राहुल जैसे इंसान के लिए किसी को मंगल सूत्र पहनाना बड़ी बात नहीं है। इट्स ट्रू, राहुल अच्छा लड़का नहीं है, छिछोरा है छिछोरा, he's a dirty boy. उसके पास तो हर मौसम की लड़कियों की लाइन लगी हुई है, और भाभी जी आप तो लाइन तोड़कर अंदर घुसी हैं। एक काम कीजिए, ये जो आपके गले में उसने मंगल सूत्र पहनाया है ना, उसे उतारिए और उसके मुंह पे फेंकिए, और उसके बाद दो कदम आगे बढ़िए, वहां पर ये नाचीज हैरी खड़ा होगा जो आपको दुगनी कीमत देगा, दुगनी।
ओ भाई साहब, मुझे अभी यहाँ थप्पड़ की आवाज सुनाई दी, आपको भी दी? सुनाई नहीं दी, मैंने थप्पड़ खाया है। क्या चीज, कट पीस। आप पेरिस से वापस कब आएंगे? यही 4-5 रोज में वापस आ जाएंगे पेरिस से। और देखो जी, हमने कुछ कैश और 5,00,000 pounds का चेक बहू को दिया है, ये रॉबर्टसन के मैनेजर लेटर को पहुंचा देना। और जी देखो, बहू का ख्याल रखना, उसे ज़्यादा रिहर्सल वेसल मत करवाना उससे। जी हाँ हाँ जी, टेक केयर, सी यू, ख्याल रखना। 1,000, 1,000, 2,000 pounds 1,000 pounds Another 5,000 pounds No, please pay cash. Hey, money's not a problem. I'll give you the money, all right? Sorry, I want money. Don't worry. Ye le lo. Listen, Monica, don't be stupid, yeah? Please. You want money, yeah? I'll get you. No problem. I'm waiting. Come on, baby, move. Yeah, fast. Don't worry. तेरे पास 10,000 pounds है क्या? क्यों, तेरे पास पैसे नहीं है? है यार मेरे पास, लेकिन दादाजी ने किसी को देने के लिए चांदनी के पास रखवाए। और वो तेरे को देगी नहीं? क्यों नहीं देगी? क्योंकि कोई पति वर्ता पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति जुआ। चांदनी राहुल की पत्नी नहीं है यारी, और ना ही कभी राहुल ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। उससे क्या फर्क पड़ता है, दादाजी तो उसे अपनी बहू स्वीकार कर चुके हैं। राहुल, चांदनी तेरे को पैसा नहीं देगी। हैरी, वो पैसे मेरे हैं, मैं जिस तरह चाहूं उन्हें खर्च कर सकता हूं। मैं शर्त लगाता हूं कि चांदनी तेरे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। उसके लिए उसकी जिंदगी में इससे सुनहरा मौका और क्या हो सकता है। दादाजी को इंप्रेस करने के लिए देखो, पत्नी अपने पति को जुए के लिए रोके, दादाजी की नजर में तो हीरोइन बन गई ना श्री देवी। लगे शर्त? ओके, आ रहा हूं। राहुल, अरे सुनो, जो दादाजी ने पैसे दिए मुझे चाहिए। पैसे क्यों? अरे क्यों क्या क्यों, मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, कितने चाहिए? कितने क्या कितने, मुझे सारे पैसे चाहिए, सारे पैसे दो मुझे। सारे पैसे? हाँ। राहुल, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नीचे ताश खेल रहा हूँ, हार रहा हूँ, नीचे बाजी लगी, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। ओ, तो नीचे जुआ चल रहा है। हाँ, लाओ पैसे दो मुझे। सॉरी राहुल, जुआ खेलने के लिए मैं पैसे नहीं दे सकती। चांदनी, तुम ये मत भूलो कि तुम पत्नी होने का नाटक कर रही हो, वो पैसे मेरे हैं। राहुल, दादाजी ने वो पैसे मेरे हैं। होंगे, लेकिन उन्होंने मेरे पास रखने के लिए दिए हैं, और वो जुआ खेलने के लिए मैं हरगिज़ नहीं दूंगी। अच्छा, अब समझ में आया मुझे, ये जो तुम नाटक कर रही हो, ये दादाजी को शीशी में उतारने के लिए नाटक कर रही हो, ताकि तुम उनकी बहू बन सको और मेरी जायदाद की मालकिन। गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम्हें अपनी झूठी पत्नी बनाया, यह ऐश और आराम की जिंदगी दिखाई, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम्हारे मुंह को खून लग गया। लेकिन मैं तुम्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा, इस मंगल सूत्र का नाजायज फायदा नहीं उठाने दूंगा, क्योंकि मैं अपनी आजादी खोना नहीं चाहता। और एक बात अच्छी तरह से याद रखो मैडम, तुम एक डांसर हो, एक क्लब डांसर, सिर्फ एक मामूली नाचने वाली। ये लीजिए राहुल साहब, धागे में पिरोए हुए काली मोती और उसमें लगा हुआ सोने का टुकड़ा। नहीं, मैं नहीं भूली हूं कि मैं एक डांसर हूं, और रही बात आपकी जायदाद की, तो मशहूर डांसर चांदनी के चलवे अभी तक कम नहीं हुए, ना ही इसके चाहने वालों की कोई कमी है। अभी भी बस मेरे स्टेज पर थिरकने की देरी है और पैसों की बारिश हो जाएगी। जो भी पैसे आपने मुझ पर खर्च किए हैं, सूद के साथ सारे लौटा दूंगी। आ गई ना अपनी औकात पर, नाचने वाली। हाँ, नाचने वाली हूँ मैं, नाचने वाली हूँ, मेहनत करती हूँ, और मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालती हूँ। बाप दादा की कमाई पर ऐश नहीं करती। राहुल मेहरा, अब जैसे ऊंचे घर के शरीफ साधे को एक नाचने वाली के साथ आधी रात उलझना शोभा नहीं देता, मुझे आपकी इज्जत का ख्याल है। गुड नाइट। लग गए ने अवेड़े, लग गए ने अवेड़े।
मैं अपने पोते की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसा मत कहिए दादाजी, मैं तो हर लिहाज में बहुत छोटी हूं आपसे, और फिर इस परदेश में जो एहसान आपने मुझ पर किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। चंद दिनों के लिए सिर्फ आप ही की बदौलत झूठ मूठी सही मैं सुहागन तो बन सकी, मुझे वो इज्जत तो मिली जो एक लड़की को सिर्फ किसी की पत्नी होने के बाद ही मिलती है। बस जिंदगी गुजारने के लिए आपका दिया हुआ सम्मान, ये इज्जत ही बहुत है मेरे लिए, वरना एक नाचने वाले को कोई कहां इतनी इज्जत देता है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं कल जा रही हूं दादाजी। हम चाहते थे कि आप चांदनी की अच्छाइयों को परखें, चांदनी की अच्छाई ही तो थी कि आपकी पत्नी ना होते हुए भी वो आपकी ऐबों पर पर्दा डालती रही, आपकी सब गलतियों को छुपाती रही, लेकिन आपने उसे हर कदम पर ठुकराया और वो हर कदम पर आपको अपने दिल में बसाती गई, बसाती गई। बेचारी को इश्क हो गया, प्यार हो गया बेचारी को, मोहब्बत हो गई उसे, पर खुदार आपसे, आपकी दौलत से नहीं। आपकी दौलत है कहां? ये दौलत जो है आपके बाप दादा की कमाई है, आपकी नहीं। आपकी कमाई चांदनी की वो मोहब्बत होती अगर आप उसे कमाते, वो आपकी कमाई होती, वो बड़ी अनमोल दौलत है, सबसे बड़ी वो है। लेकिन आपने उसे भी ठुकरा दिया। बरखोदार, अब तो हमने अपनी तमाम जायदाद आपके नाम कर दी है, अब आपको किसी बात का डर नहीं, आप मुक्त हैं, आजाद हैं, जो जी में आए करें आप। हाँ, लेकिन आपकी असली दौलत वो लड़की हिंदुस्तान वापस चली गई। हाँ बेटे, चलिए। अरे चांदनी आ गई तुम, कैसा रहा प्रोग्राम? खूब नाम कमाया होगा ना? हाँ शास्त्री जी। पहले ये बता, तुझे अपने सपनों का राजा मिला कि नहीं? क्योंकि यही योग था उसके मिलने का। सपनों के राजकुमार सिर्फ सपनों में ही होते हैं शास्त्री जी, हकीकत से उनका कोई वास्ता नहीं होता। बंद कर दीजिए ऐसे सपने दिखाना शास्त्री जी, आंखें खुलने पर इंसान किसी काबिल नहीं रह पाता, बिखर जाता है वो टूट कर। बंद कर दीजिए ऐसे सपने दिखाना, बंद कर दीजिए। चांदनी, सारे रे जायदाद के पेपर्स दादा जी ने तुहाडे नाते करते आ। रखते सर, तुसी चांदनी नाल ठीक नहीं कीता, वो जांदे वक्त बहुत रो रही सी। रोते हुए नहीं जाती तो क्या, नाचती हुई जाती। हमें जो इतने दिन रुलाया वो आपको नजर नहीं आया, जैसा किया अंजाम वैसा हुआ। उसका अंजाम क्या होगा पता नहीं,
लेकिन आप लोगों का अंजाम क्या होगा मैं अभी बता सकता हूँ। शट अप, यू शट अप, चुप करो, कट पीस। तभी गेट आउट। आप मुझसे कह रहे हैं? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बल्कि नौकरी छोड़ के। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो मेरा क्या काम? साला चांदनी का चमचा, ये क्या? व्हाट इज दिस? जायदाद के पेपर्स। क्या चीज, कट पीस। अरे राहुल, तुम्हारा ये काम तो हो ही गया, अब एक दूसरा काम भी कर लो। इधर आओ, मोनिका से शादी कर लो, वक्त बहुत कम है। अरे तुम क्या सोच रहे हो कि चांदनी हिंदुस्तान में जाके चुप बैठने वाली है? करोड़ों का मामला है राहुल, और चांदनी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ना उसका कोई दीन है ना ईमान है। अरे शी इज अ करेक्टलेस गर्ल यार। मुंह तोड़ दूं अगर तुमने मेरी चांदनी कुछ कहा था। राहुल, एक नीच लड़की के लिए? नीच लड़की चांदनी, इसलिए उसने इस महान देवता को थप्पड़ मारा था। और तुम एक बहुत शरीफ खानदान से हो ना, इसलिए तुम मेरी दौलत के पीछे, मेरे आगे पीछे भिनभिना रही थी। मोनिका, मैं बदल गया हूं, क्योंकि मैं चांदनी से बहुत प्यार करता हूं। आई लव चांदनी। और तू, मैं तुझे लात मारता हूं आज से, तेरी और मेरी दोस्ती। तू क्या मुझ पर चौकड़ी मारेगा? मैं तुझ पर चौकड़ी मारता हूं, आज से तेरी मेरी दुश्मनी शुरू, और ये खत्म नहीं होगी। ए, कपड़े फाड़, कपड़े फाड़। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, कपड़े फाड़। उस आराम ज़ादे को बलात्कार के केस में अंदर करवाता हूं, सर धरेगा अंग्रेजों के जेल में। चल फाड़े उतार। नहीं हैरी, राहुल ने जो कुछ कहा सब सच कहा। ओ, मैं ही गलत हूं। आ? राहुल पे सिर्फ चांदनी का हक है। एक पति के हैसियत से तो मैं उसे पा ना सकी, मगर एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहती। वाह 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 वाह, क्या चीज, कट पीस। आखिर तुम्हारे हृदय के अंदर हिंदुस्तानी नारी की भावना उभरने लगी ना हरामजादी। निकल जाओ यहां से, वरना मैं सचमुच अपने कपड़े फाड़कर तुम्हें बलात्कार के केस में अंदर करवा दूंगी। और याद रखो, यहां की पुलिस मारती नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक देती है। चांदनी, ये रहे प्रॉपर्टी और बैंक के पेपर्स। मैंने सारा पैसा पिंकी और गुड्डी के नाम पर जमा कर दिया है। सिर्फ कल इन्हें बैंक में जाकर साइन करने हैं, फिर हर महीने ये पैसे निकालते रहेंगे। दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे आंटीज का लिपस्टिक पाउडर, अक्खा लाइफ का टेंशन खत्म। हम दोनों हमेशा के लिए गोवा चले जाएंगे चांदनी। वहां मैं तुम्हारे नाम से एक बार खोलूंगा, सूजन बार। चांदनी से सूजन। सचमुच मुझे यकीन नहीं हो रहा है चांदनी, कि मेरा सपना हकीकत में बदल रहा है। चांदनी बेटी, अभी भी वक्त है, हम लोगों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। चांदनी, चांदनी, कहीं अपना इरादा तो नहीं बदल रही हो? डैनियल साहब, बहुत एहसान है आपका मुझ पर। मैंने तो सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल रखने के लिए कहा था, आपने इतना सब कुछ कर दिया। इन पेपर्स में मुझे पिंकी और गुड्डी के सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज नजर आ रही है। नहीं डैनियल साहब, मैं अपने फैसले पर अटल हूं। अच्छा नानी, चलता हूं, तैयारी करके रखना इसकी, कल लेने आऊंगा इसको। अच्छा चांदनी। अच्छा जी। दीदी, बचाओ दीदी। Oh, my God.
भाई साहब यहाँ पे चांदनी कहाँ रहती? आप राहुल है ना जी? अरे आपको तो सारा मोहल्ला जानता है, आप ही थे ना चांदनी के साथ लंदन में जी? अच्छा नहीं किया साहब आपने, अच्छा नहीं किया। अरे चार दिन जानवर भी दरवाजे के बाहर बंधा रहे तो इंसान उससे भी मौत करता है, और आप तो देखिए आप मुझे चांदनी घर का पता बताएंगे? जाइए सामने ही रहती है। जी नमस्ते, मेरा नाम राहुल है, मैं चांदनी से मिलने आया हूँ। आओ बेटा आओ, चांदनी को बेइज्जत करने में कोई कसर रह गई थी जो यहाँ तक चले आए? जी मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या बिगाड़ा था चांदनी ने तुम्हारा, क्या कसूर था उसका? यही ना कि उसने हमारे घर में जन्म लिया, चार लोगों का पेट पालने के लिए नाचती है वो। कितनी उम्मीदें कितने अरमान थे, उसकी टोली उठे और वो दुल्हन बनकर किसी के घर के इज्जत बने। नहीं नानी माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं चांदनी को यहाँ से ले जाने आया हूँ। कहाँ है चांदनी? चांदनी तुमसे नहीं मिलना चाहती। नहीं मिलना चाहती? नहीं मिलेगी मुझसे, मैं बात करता हूँ। चांदनी, चांदनी प्लीज दरवाजा खोलो। चांदनी देखो आई एम सॉरी, प्लीज मेरी एक आखिरी बात मान लो चांदनी, प्लीज। तुम चले जाओ यहाँ से बेटा, मैं अपनी बच्ची को अच्छी तरह जानती हूँ, वो दरवाजा नहीं खोलेगी, तुम चले जाओ। नानी माँ प्लीज वन ट्राई, एक ट्राई और प्लीज। चांदनी प्लीज, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया चांदनी, प्लीज। देखो चांदनी मैं यहां से ले जाने आया हूं चांदनी, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगेगी चांदनी, तुम दुल्हन बनोगी चांदनी, मैं इसी गली में बारात लेकर आऊंगा और तुम्हें डोली बिठाकर लेके जाऊंगा, ये सब देखते रह जाएंगे चांदनी। अगर अगर कोई मेरी बीवी बनेगी तो सिर्फ तुम, अगर अगर कोई मेरे घर की इज्जत बनेगी तो सिर्फ तुम चांदनी। आज जो राहुल मेरा तुम्हारे सामने खड़ा है चांदनी, ये वो अय्याश राहुल मेरा नहीं है, बल्कि वो राहुल मेरा है जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हारी इज्जत करता है चांदनी। तुम्हारी इज्जत से इस राहुल मेरा को मत मिटाओ, मत मिटाओ इस राहुल को। मत मिटाओ इस राहुल मेरा को। क्या चीज काट पीस? मैंने कहा था ना कि अगर आशिक को ढूंढना हो तो माशूक की गली में ढूंढो। ये देखो। देख हैरी, हम लोग अपना हिसाब फिर कभी कर लेंगे, आज नहीं। आज नहीं बट भाई देखो राहुल, आठ मेरा लकी नंबर है, आज तारीख भी आठ है, आदमी भी आठ ही लेकर आया हूँ और घड़ी में भी आठ ही बजे है। देख हैरी, कल तू जहां बुलाएगा मैं आ जाऊंगा,
तुझे जो करना कर लेना, पर आज नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चलो मेरे गुंडो, मिलकर मारो सब। कल मैं फिर आता हूं और मार लेना, पर आज नहीं। आज किसी की जिंदगी और मोहब्बत का सवाल है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, आज नहीं आ रही। बट वाई? ओके ओके, नाउ दैट आई हैव कम हियर, ठीक है मैं इधर आ गया हूं तो चांदनी का डांस देख लेता हूं। वाह वाह, क्या चीज, कट पी। देखता क्या है? आज नहीं, आज नहीं, नहीं नहीं नहीं। आठ तेरा लकी नंबर है? नहीं 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 नहीं, आज ही नहीं नहीं, क्योंकि आठ मेरा भी लकी नंबर है। मारकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हारे बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं चांदनी। मैं वो राहुल नहीं जिसे तुम विदेश में छोड़कर आई थी। ये राहुल बदल चुका है। इस राहुल के दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कुछ मत कहो राहुल, कुछ मत कहो। मैं देख सकती हूँ प्यार तुम्हारी आंखों में, महसूस कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं करेगा मुझे। लेकिन अभी प्यार मेरे नसीब में नहीं रहा। मैं डैनियल से वादा कर चुकी हूँ राहुल, और एहसान मानती हूँ उसका कि वक्त पर साथ देने चला आया। अब मैं उसकी अमानत हूं राहुल। जब तुम मेरे साथ थी
तो मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, जब तुम्हें पाना चाहा तो खो दिया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है। मैं ये सोच के जी लूंगा कि ये मेरे अपने किए की सजा है। तुम खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अच्छा किया चांदनी, बहुत अच्छा किया। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने फैसले पर अटल रही। ए राहुल, उसको तो तुमने सही रास्ता दिखा दिया। हाँ जाओ, वही है तुम्हारा सच्चा प्यार। हाँ सच कह रहा हूं, देख क्या रही हो चांदनी, जाओ। आज तुम दोनों के प्यार और सच्चाई ने इस डैनियल को भी पत्थर से इंसान बना दिया। जाओ जाओ चांदनी, जाओ। बारातें आई डोली तू भी लाना, सबकी बात